अस्सलाम वालेकुम। हाय बेली, वेलकम हो गया। हेलो अदिति, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम डार, वेलकम। कैसी हो? एक मिनट। हाय जीव से व्लॉग, वेलकम। कैसे हो आप? एकदम मस्त है तबीयत। अच्छा बेली, मुझे लिंक भेजना, मैंने नहीं देखी सच्ची में। वाह माशाल्लाह। वालेकुम सलाम हिना। थैंक यू सो मच हीना मेरी जान, थैंक यू। वालेकुम सलाम डोडो, वेलकम हो गया। अभी मेरी तबीयत ठीक है यार, मैं आज सुबह से आराम ही कर रही थी। अब मैं बोर हो गई आराम कर करके, तो मैंने सोची थोड़ी देर लाइव ही चला लेती हूँ, क्योंकि वीडियो तो डालने मिल रही नहीं है। एक वीडियो डाली हूँ वो भी येल्लो ही है, उसके ऊपर भी एड वगैरह तो चल ही नहीं रहे, तो मैंने सोची लाओ थोड़ी सी बात कर लूँ, फिर रात को करूंगी। पूछना फेसबुक में है, फेसबुक में बहुत हसमुख लेडीज है, उनकी फेसबुक में कोई वीडियो थी उनका, करो। ओके ओके, क्यों डिलीट कर देती हो? पहली मैसेज डालते ही क्यों डिलीट करती हो बेली? तुम रोज करती हो ना, मैसेज डालती हो फिर डिलीट कर देती हो, क्या बात है यार। जल्दी जल्दी आ जाओ, लाइव को शेयर कर दो जल्दी से। मुझे ना कम्युनिटी पे लगा देना चाहिए था ना। अच्छा मैं चेक करूंगी, क्या नाम से है फेसबुक अकाउंट बताना मुझे। अच्छा तो फिर तीन कर लेंगे खजूर, दो लाइफ की तकलीफ उठी है तो तीन कर लेंगे, सुबह भी लगा लूंगी और क्या। जो जो चीजों से तकलीफ उठेंगी वो हम डबल ट्रिबल कर देंगे। मेरी तबीयत ठीक है, वालेकुम सलाम रेड रोज, वेलकम। कैसी हो?
मुझे वीडियो नहीं डालने देंगे तो मैं लाइवे लगाऊंगी। अभी तो मैं दो ही लगा रही हूँ, थोड़े दिन देखूंगी नई वीडियो डालने दिए, फिर मैं तीन लगाऊंगी। एक लाइव कर रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल एसएस, थैंक यू सो मच मेरी जान। बिल्कुल ऐसे कीड़े मकोड़ों से डरने लग गए तो फिर तो हो गया। वालेकुम सलाम ग्रेजुएट, कैसे हो आप? एक मिनट है, मैं जरा दूसरे चैनल पे ये लगा दूं मेरी कम्युनिटी, क्योंकि वहां पे पता ही नहीं होगा ना। अच्छा, आप एमपी इंदौर से हो? ओके, हाय माला सिस्टर, वेलकम, कैसे हो आप? चलो मैंने लगा दी हूँ। मिनट, अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे जितनी भी मेरी बहनें हैं यहाँ पे यूएस में कौन कौन है, मुझे जरूर बताना। मुझे नहीं पता खजूर। अच्छा, आप लोगों में से अगर कोई है ना यूएस में, मतलब बाहर कंट्री में, इंडिया और पाकिस्तान में नहीं है, बाहर है, और आप लोगों में से अगर कोई भी इंस्टाग्राम पे मेरे साथ में टच में हो तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मुझे जरूरी काम है। हेलो हर्षिता, वेलकम, कैसी हो? ओके,
यार कहाँ चले गए सब जने, जल्दी जल्दी आओ ये वाले चैनल पे लाइव करो ना, तो किसी को पता ही नहीं चलता है। इसके लिए ना मैं इधर पे करती हूँ जल्दी, दिल ही नहीं करता इधर पे करने ना लाइव। फातिमा का मेरे को वापिस से एक बार मैसेज करना, मैंने याद नहीं है क्योंकि बहुत लोग करते हैं ना तो पता नहीं चलता। अच्छा खजूर आंटी तुम खाली सुन रही, क्यों सुन रही है, मैसेज भी करो। हाय मधु, नमस्ते, कैसी हो यार, शेयर करो जल्दी जल्दी, कहाँ है हमारी बहने, लाइक करो हमारी शबनम मैम को, थैंक यू एसएस, लेकिन प्लीज मैम मत बोलो मेरी जान। वालेकुम सलाम जिलानी सिस्टर, वेलकम हो गया। अच्छा शबनम दी, अब आप नैना को सपोर्ट मत करना, वो दल बदलू है, क्या हुआ क्या की इसने। हाँ मैंने देखी, थैंक यू गिमर, थैंक यू सो मच। हाय रिजवान सिस्टर, वेलकम हो गया, कैसी हो आप, प्लीज जल्दी जल्दी लाइव को लाइक करो और शेयर कर दो। अरे खजूर ये वाला मैसेज तुमने पहले भी डाला ना, मैंने बोली ना ऐसा कुछ नहीं है, बस उन लोग सीओ को हटाना चाहते हैं तो लोग उसको बटरिंग कर रहे हैं ना। मैंने आज अभी बनाई नहीं हूँ, बस अभी जा रही हूँ खाना बनाने, और दोपहर में तो ऐसे ही कुछ भी खा लेते हम लोग बना के, क्योंकि ना कोई रहता नहीं है ना दोपहर में, ज्यादातर बच्चे ट्यूशन में स्कूल में ऐसे रहते, तो वो जल्दी जल्दी खा के भागना रहता है इन लोगों को स्कूल ट्यूशन, तो इसके लिए मैं इतना ज्यादा ये नहीं करती हूँ, फिर रात को प्रॉपर खाना बनाती हूँ। जर्दा खान जानिया, और क्या वर्दा खान जानिया। अच्छा तो प्लीज आप लोग में से मुझे बताना कि कौन कंट्री के बाहर रह रहा है ना, तो ओवरसीज कौन है प्लीज जरूर बताना, और यहाँ पे बताना नहीं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मुझे बहुत जरूरी काम है, एक दो बंदों से नहीं, जितने ज्यादा रहेंगे ना उतना अच्छा, बाकी समझदार को इशारा ही काफी है ना। हाँ राती को उतर गया था ना रेड, रात को बताई थी ना लाइव में, उतर गया था बुखार। वालेकुम सलाम सियोक सिस्टर, तो फिर उसके बाद में नहीं चढ़ा, सुबह में उठी तो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम फ्रेश थी मैं। अच्छा क्या हो गया है सियोक सिस्टर, लोग पूछ रहे हैं आपका और किसी का पैचअप हो गया है। थैंक यू मधु चाय देने के लिए, ओके रेड थैंक यू सो मच। अरे यार मैं ऐसी करती हूँ ना, मैं लिंक देती नहीं हूँ और पूछते रहती हूँ ये वाला।
वो दे दे इसमें है ना। नहीं एक मिनट, हमें पहले लिंक दे दूं सीओ सिस्टर को। हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या वालेकुम अस्सलाम। हाल है शबनम? ठीक हो? हाँ ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये जरा मैं सुनाओ। नैना बीबी को जवाब देने आई हूँ। ये जो आके कह रही है ना कि मैंने अपने सारे सपोर्टर डिसोन कर दिए, तो मैडम जी पहले तो आपको किसने सपोर्टर की गिनती में आप लेके कब आई थी? किसी को ना, शबनम को ना, मुझे ना, फातिमा। फातिमा तो पहले भी नहीं कर रही थी, शबनम का मुझे नहीं पता शबनम कर रही थी आपको सपोर्ट। मैं हाँ आपको जरूर कर रही थी। आपने के कभी ऑन या डिसऑन का वर्ड पहले कभी नहीं बोला ना। आपको कल की लाइफ से तकलीफ चढ़ी या ये हुआ, मैं इस पे बात नहीं करना चाह रही क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसकी मजीद ट्रोलिंग हो ना। ये अब्बासी के लिए आई है, आज लाइव लगा रही है, अब्बासी के लिए बोल रही है, तो चलो ठीक है, अब्बासी को बोल के जाए। वैसे तो अब्बासी को मैंने अपनी लाइव में भी कल बहुत सुना दी है कि अब्बासी इतना कोई दूध का धूला नहीं हुआ जो आके दूसरों को बदनाम करता फिर है ना मजीद। और जहां तक ये नीचे कह रहे हैं ना कि डॉली के साथ मेरा हो गया, नहीं, डॉली के साथ ना मेरी कभी कोई बात हुई है ना कुछ हुआ है। उसने कहा है कि मैं आपको क्यों आंटी बोलूंगी, ठीक है? तो जब वो मुझे आंटी बोल रही है ना, कोई गंदा लफ्ज नहीं बोल रही, बस इतना ही है कि मैं भी उसको कोई गंदा लफ्ज नहीं बोलूंगी। हाँ, अगर कोई गलत चीज बोलेगी तो डेफिनेटली मैं जवाब दूंगी मेरा। और जहां तक मोनिस का जवाब मैं आपको दे दूं, मोनिस ने अपनी कम्युनिटी पे लिखा है कि इसराइल विन, तो मैंने मोनिस को ब्लॉक किया है अपने पैनल से। पहले ही मैं ये बता दूं सबको कि मैं ब्लॉक कर चुकी हूं मोनिस को जी। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो इस्लाम के खिलाफ आके बोल रहे हो या मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हो, तो मैं ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए मुझे ना, तो इसलिए मैंने ब्लॉक कर दिया उसको। और मेरी बहनों ने रिक्वेस्ट की थी जिसकी वजह से मैंने उसको ब्लॉक कर, तो सिंपल ही है बस। और मोनिस का कोई चक्कर नहीं है, मोनिस आके थोड़ी बहुत ना कॉन्ट्रोवर्शियल बातें कर रहा है, मैं तो वैसे भी भाई कहती हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन थोड़ी सी मैंने तो उनको कल भी कहा था कम्युनिटी डिलीट करें अपनी ना इंस्टा पे, उन्होंने मुझे सही आगे से बात कोई है। जवाब दिया या नहीं दिया, लेकिन ब्लॉक में कर चुकी हूँ क्योंकि मेरी बहनों को प्रॉब्लम थी। और वैसे भी एक लड़का आके बैठता है तो बाकी सारी लड़कियां होती हैं तो ठीक है ना, उनका काम नहीं बनता ना, वो अपनी स्टडी पे ध्यान दें। क्यों शबनम, ठीक किया कि नहीं? बिल्कुल ठीक किया। बस यही बात थी मोनिस की और ये डॉली की। अगर डॉली कुछ गलत नहीं बोल रही है, अगर वो शबनम और फातिमा के बच्चों के लिए बोलेगी तो मैं जरूर बोलूंगी। बच्चों पे बात आएगी तो मैंने तो पहले भी कहा था कि मैं जरूर बात करूंगी, चाहे वो किसी के भी बच्चे हों भाई। और जहां तक ये नैना का ताल्लुक है ना, नैना का मैं इतना नहीं नहीं तो बोलना चाह रही। हाँ नैना का सपोर्टर है कौन जो वो डिसऑन करेंगी। देखो हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। और अच्छा, प्यार करना और सपोर्टर बनने में ना बहुत फर्क है। ठीक बिल्कुल बिल्कुल है, सपोर्टर हम कब थे, जब तलक के सलमा ने सबको रिक्वेस्ट नहीं की थी कि हट जाओ अब मुझे नहीं कुछ करना, वो बिल्कुल थे हम सपोर्टर। मैं पर्सनली बोलूं, मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ। हाँ मैं दिलो जान से सलमा को प्यार करती हूँ, बस। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है बस। हाँ ना, हमें आके ये कोई ना सुनाए। मैं इवन सलमा के लिए भी कह रही हूँ, उसको आके कहने की जरूरत नहीं है, उसने डिसऑन कर दिया भी। हम सपोर्ट कर ही नहीं रहे, हम अपने प्यार की वजह से खड़े हुए हैं और जब तक हमारा दिल करेगा हम खड़े रहेंगे, दैट्स इट। ये आके ब्लेम कर रही है ना कि उसको सलमा को भी आप लोगों की वजह से सुनना पड़ता है भाई। उनके सपोर्टर्स चुप कर करके कब बैठे हैं? आज भी उसको शलवार भी बोल रहे हैं, इंसाफ भी बोल रहे हैं, किस दिन चुप करके बैठे हैं जो हम लोग ना आगे से जवाब दें उनको? नहीं तो मैं तो सलमा की वजह से नहीं जवाब देती हूँ। सलमा इतनी स्ट्रांग है कि वो खुद जवाब देती है, लेकिन उन लोग किसी के भी लिए अगर करेंगे गलत करेंगे तो हम तो बोलेंगे ना। कल तो मैं मुस्लिमा के लिए भी बोली हूँ कि
तो क्या, बिल्कुल मुस्लिमा मेरी दोस्त है, मैंने मुस्लिमा के लिए भी कल बोली हूँ भाई, वही सारी चक्कर, वही सारी बातें। तो ये एक जीजा की दीवानी है, उसने भी लेकर आई थी, उसको तो तुम लोगों ने सिंपत्ति दी। इसको हाँ समझा रहे हो कि घर की बातें मत लाओ, हस्बैंड को गंदा मत करो, तो ये तो बिल्कुल, सेम यही वाला की है ना इनकी जो मालकिन है उसने। देख के वही चल रहे हैं ना, उसी कंट्रोवर्सी पे चल रही हैं, उसी चीज को लेके चल रही हैं। क्या माशरे को वो दे रही है, यही सीख दे रही है ना, कि यही कंट्रोवर्सियां करके आप लोग वायरल, और क्या रह जाता है ना शबनम, यही रह जाता है ना फिर। वही तो कर रहे हैं लोग, सोच रहे हैं कि बस मालकिन वाला ही कंट्रोवर्सी उठा उठा के वही वाला ही कर करके हम लोगों को फेम मिलेगा। बिल्कुल। और फातिमा फिर मुझे ना आके फिर बोलेगी, इसका एक कमेंट मैंने देखा वहां पे, नैना को लिख रही है कि जी ना मेरे बच्चों को इतना बुरा बोला गया, आप मेरे लिए स्टैंड लोगे। अब मुझे नहीं पता ये किस सेंस में फातिमा ने बोला है वहां पे, लेकिन फातिमा आपको लगता है कि वो किसी के लिए स्टैंड ले सकती है? आप क्या तवक्को रखती है उससे? उससे तो कोई तवक्को रखना ही बेकार है। आप खुद स्ट्रांग हो, आप हो, मैं हूँ, शबना मैं खड़ी हुई, आपके बच्चों के लिए इतनी बहनें आती हैं, आपको ये लफ्ज तो लिखने भी नहीं चाहिए था, तंजिया भी लिख रही हो उसको। इन छोटी छोटी चीजों पे ना समटाइम फातिमा बहुत गुस्सा दिलवा देती है। खजूर आंटी कह रही है पोली बगैर, क्यों क्या हुआ है? मैंने उसकी लाइव नहीं देखी कल ना, थोड़ी सी देखी थी लेकिन ज्यादा नहीं देखी। आज तो मैंने नहीं फसादन पे देखो, बात करनी है अपनी लाइव में। हाँ जी, हाँ बोलो आप। चम देखो साइमा सिस्टर्स, अभी है ना फातिमा को है ना हम लेते हैं इनमेच्योर, ठीक है कि वो सोचती समझती नहीं है, बच्ची है ये वो ना, लेकिन यार ये भी तो है ना कि 3 बच्चे की माँ भी है ना, तो बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, इतनी तो मेच्योरिटी रहना चाहिए ना। अब मैं उसको 3 दिन से कोई चीज मांग रही हूँ, अब सामने हाँ वाले ने मेरे ऊपर कुछ किया है तो मेरा नहीं बनता करना, तो बिल्कुल बनता है बिल्कुल। नहीं देने का क्या मतलब है? इसको मैं सुनाती हूँ आज, सब्र करे जरा, ये आए तो सही। अभी मतलब नैना ये खुद की, नहीं हाँ चाहती है ना कि कुछ हो, खाली ये वाइटी वाइटी खेल के कोई मतलब नहीं है। शबनम, इससे इसीलिए जाहिद भाई क्यों पीछे हटे हैं, इन्हीं चीजों पे हटे हैं, आपको ट्रस्ट करो, क्योंकि ये लोग इतने लेजी हैं ना। अब वाईटी पे आके बंदा क्या बोले, मैं आपको पीछे बताऊंगी इसका सारा ना। सिर्फ एक चीज पे एक बात अड़ी हुई थी, जिसके लिए अब वो अगला बंदा जा रहा है उसके केस करने के लिए, सारा कुछ कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर कुछ करना है तो फिर आपको एक्टिव होना पड़ेगा ना, आपको चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ऐसे तो नहीं ना केस हो जाते। अब फिर बात वही आ जाती है, फिर वो बात दूसरी तरफ चली जाती है, फिर लोग उसे पूछेंगे, बात करेंगे, फिर उसी पे बात आ जाती है, फिर इसलिए हम आके चुप कर देते हैं, वाइटी पे कुछ बोलते नहीं है। अब इसको अरे मैं बाबा बोलती मैं हूँ ना, नहीं हाँ कभी पूछती हूँ फातिमा हाँ को, देखो मैं कभी नहीं पूछती फातिमा को कि तूने क्या केस की थी, कहाँ है रिजल्ट, क्या है क्या नहीं है। अब फातिमा ये भी बोलती है, मैं चाहती हूँ कि फातिमा खुद आए तो डायरेक्ट उससे ही बात करे, नहीं तो उसको बुरा लगेगा कि अपन बैठ के बिल्कुल, बात कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत देनी सारे चाहिए पॉइंट बिल्कुल। है कि फातिमा भी इनको ना मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, लेकिन ऐसा लगता है ना कि इसको देना ही नहीं है। चलो भाई तुमको नहीं देना है, मैं तो कभी नहीं पूछती ना फातिमा तुमने क्या किया और क्या नहीं किया, हाँ मुझे कोई लेना देना नहीं ना, मैं किसी बिल्कुल, से उम्मीद लगाती हूँ कि कोई करेगा इनके ऊपर, मैं उम्मीद ही नहीं लगाती हूँ किसी से भी, अगर रिजल्ट आएगा तो बल्ले बल्ले, नहीं आएगा तो निकल ले, ठीक है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, अगर सामने वाले को करना है, तुम्हारे पास में कोई चीजें है वो मांग रहा है, तो तुम्हारे पास में इतना टाइम नहीं है भाई, तुम 2-2 घंटे की इन फारिक लोगों की लाइवें बैठ के सुनती हो। हाँ तुम्हारे से कोई चीज मांगे गई है, तुम हाँ कल दे रही हूँ, अभी दे रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तुम दे ही नहीं रही हो। अरे तुम मत करो, कम से कम वो चीज खाली तुमको फॉरवर्ड करना है मुझे व्हाट्सएप पे, अच्छा उतना भी माला नहीं हो रहा भैया है। एक सेकंड शबनम, माला ये कोई भी जाके ना नैना की लाइव में ना प्लीज मैसेज करके आओ फातिमा को, कि इधर तशरीफ ले आए, वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसकी बात जाके वहां सुन रही है, वो फालतू की ऐसी बातें कर रही है। तो प्लीज अवॉइड करो नैना की लाइव को ना, आप शबनम की लाइव चल रही है ना, सब शबनम की लाइव में आए, प्लीज एक मैसेज करके आओ। एक नहीं बहुत सारे मैसेज करके आओ, हाँ कि शबनम की लाइव चल रही है, प्लीज वहां पे आओ। फालतू अब्बासी को रोने आई है, इनके पास आपस में फोन नंबर नहीं है? मैंने तो कल यही कहा था कि आपस में फोन पे बात करने भाई।
इतना क्या चढ़ा हुआ इनको जोश दोनों को, फैमिली एंड ऑफ द डे, इन्होंने मर खप के एक ही होना है। अब उसको ये भी बुरा लग रहा है कि सलमा को अच्छा कह दिया, क्योंकि सलमा मदीना में बैठी हुई है। अब वो अपनी जलन तो नहीं निकाल सकती है ना शबनम। मैं तो कहूंगी भाई, मुझे वो नेक पाक साफ लग रही है, जब तक वो मुझे लगेगी मैं तो कहूंगी उसको पाक साफ, वालेकुम उसका तो कोई सलाम चक्कर नजर नहीं ना नाजनी। आया। देखो कल आपने नीचे मैसेज किया ना कि शबनम आप यहाँ पे रॉन्ग हो, तो हाँ मैं कहाँ पे वहां पे आपको रॉन्ग लगी बताओ। देखो मेरी अब एक मुझे बात बात है, भूल गई है मैंने किस चीज पे वो मैसेज किया था, लेकिन किसी चीज पे किया था पता नहीं है, मुझे याद मैंने आएगी तो शबनम आपने मैं ये वाली बताऊंगी। चीज पे, आपने ये चीज पे किया था कि अगर मैंने उनको वो ये बोली थी कि अगर प्रूफ नहीं दोगे ना तो हम नहीं मानते, ये बात सच्ची। हाँ, नहीं, ये बात पे नहीं मैंने आपको ये मैसेज किया था, मैंने किसी और चीज पे किया था, मुझे वो चीज याद नहीं है। मुझे याद आती है तो मैं जरूर आपको बताऊंगी कि मैंने किस चीज पे किया था, ठीक है। डेफिनेटली अभी याद नहीं है, लेकिन हाँ अब बात कोई उनसे रिलेट ही थी मेरे ख्याल से, याद आती है अच्छा तो अच्छा बताती हूँ वो यार। बात थी कि आप वहां बैठ के कर रहे हो मैं ये लाइव, वो टाइम पे जवाब क्यों नहीं दिया? यार पता नहीं सीरियसली शबनम, याद नहीं है, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, याद आती है तो कसम से बताती हूँ, हो सकता है अभी याद आ जाए, नहीं आए तो मैं इंशाल्लाह आपको शाम को लाइव में बता दूंगी, लेकिन जरूर बताऊंगी। हाँ हाय सारा, थैंक यू मेरी जान। फातिमा को ना जरा 6-7 मैसेज वहां पे करके आओ कि बेटा शबनम की लाइफ चल रही है, उसको छोड़ दे, जो तेरी ना सपोर्ट मांग रही है ना तेरी सपोर्ट के लिए खड़ी हुई है, तो इधर आके खड़े हो, जो सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं ना उनकी आके लाइव में बैठा करो, उनको सुना करो, उनको सपोर्ट किया करो, उनके साथ बहस करना भी फालतू है, मत्था कहना मारना फालतू है, उसको क्या चाहिए भाई ना, वो अपने भाई के लिए सुन सकती है कुछ, वो उस साफ नजर आ रहा है कि वो शराब पी के वीडियो बना रहा है और कह रही है कि मुझे नहीं पता मेरे सामने नशा नहीं करता। भाई हम सब कह रहे हैं कि तेरे सामने नशा करता है, वो नहीं करता होगा लेकिन करता है, डेफिनेटली करता है, नहीं नींद कैसे की नहीं दवाइयों से करता नहीं। होगा, अभी हाँ वो दिन ये वीडियो बना रही थी तो वो पूरा तो हिल रहा था। बिल्कुल, जब ये लेके आई है उसको घूंघट उठाने के लिए, देखा ना शबनम आपने भी, हाँ पूरे टोन नशे में था उस टाइम पे, तो कैसे नहीं इनको पता कि नशा वो करता है या नहीं करता, नींद की दवाइयों से नहीं इतना नशा होता भाई कि इतना बंदा डामाडोल हो जाए, बेवकूफ बनाए बैठे हुए हैं वाईटी पे, एक ही यही लोग बैठ गए हुए हैं जो सच्चे हैं बड़े हैं, हमें कोई हक नहीं है भाई, आप व्लॉगिंग पे आके बैठे हुए हो, व्लॉगर हो आप पे हमारा, हम देख सकते हैं रिएक्शन जो मर्जी हमारा दिल करे, आपको इतने दिन से लोग टॉन्ट मार रहे हैं कि आप एक डरबे में रह रहे हो पिंजरों के, आपको इतना शौक है जानवरों में रहने का, जाके गांव में रख लो जाके, यार गंदे से गंदा जानवर इन्होंने रखा हुआ है और घर में उसी को उसी बर्तन में उनको खिला रहे हैं पिला रहे हैं और उसी में खुद भी पी रहे हैं, कैसे लोग हैं जी ये। इसकी माँ रुबीना उसी में चाय पी रही है, उसी में आके मुर्गी भी वो मार रही है, चोंच मार रही है, उसी में बिल्ली भी मार रही है, लो यार हाथ धोती है आप लोग, प्यार है चलो ठीक है, लेकिन इतना भी क्या, एक हाइजीन का तो कम से कम होना चाहिए ना बंदे को, देख के क्रैच सी आती है, अल्लाह माफ करे, फिर व्लॉगिंग देखने को दिल नहीं करता, आपकी व्लॉगिंग को क्यों छोड़ के गए हैं लोग इन्हीं चीजों पे, इसी पे व्यूज नहीं आ रहे आपको, आपको कहीं जा रहे हैं समझाए जा रहे हैं ना, ना आप उसको निकाल दो मुर्गियों को साइड पे कर दो, लेकिन आप सुन ही नहीं रही हो, जानवरों की हेल्प करने का और भी बड़े वेज हैं, आप जाके किसी उसको दे दो, कहीं और हेल्प कर सकती हो, पैसे दे सकती हो, वैसे खाना डाल सकती हो जानवरों को, ये तो नहीं है कि आप सारे जानवर उठा के अपने घर में ही ले आओगी भी, ऊपर से इसकी ब्लॉगिंग में क्या चल रहा है ना कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये शबनम इसने 2-3-4 दिन पहले ना ब्लॉग बनाया कि इसका सर इतना जुड़ गया हुआ है कि इसने कंघी नहीं की, ब्रश नहीं मारा अपने बालों में, नहाई नहीं, कि इसके बाल स्टिक हो गए हुए हैं, 1.5 घंटा ये जाके पॉलर पे शैम्पू करवा के 4 लड़कियों ने इसके बाल खोले हैं 1.5 घंटे में, क्या ये बात इसकी कर रहे ब्लॉगिंग हो। है, खुदा की कसम, तो लोग इसको टोंट ना मारें तो और क्या करें फिर, आप क्या दिखा रही हो कि आप नहाती नहीं हो, आपके बाल जुड़ गए हुए हैं और आप जाके 1.5 घंटा शैम्पू करवा के बाल खुलवा के आ रही हो, हम तो कई चीजों को इग्नोर करते आए हैं, लेकिन हमने कहा चलो बच्ची है ना समझ है नहीं अकल है इसको, वो बच्ची वो पागलों की तरह रिएक्ट कर रही है,
तो करो, आप तो अपने हाथ से कहते हैं ना, पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो क्या बैल मुझे मार, ऐसी व्लॉगिंग कर रहे हो आप। वालेकुम हाथ सलाम धोती हो? हफ्सा सिस्टर। यार जाओ, कोई नैना की लाइव चल रही है, वहां पे कमेंट करके आओ। अच्छा, रिएक्शन करती है डीडी, करता होगा स्मोकिंग तो वैसे भी करता है, वो तो पता है हमें भी। सारा कह रही है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम हसीना हो, और अस्सलाम पल्लवी, क्या हाल है? क्या चल रहा है? बस यही चल रहा है यार, कि इनकी ब्लॉगिंग पे देख के हंसी आ रही है। आई एम सॉरी कि ये जो पागलों वाला बना रहे हैं ना कंटेंट आजकल, एक नहीं सारे, एक नहीं सारों की हाँ बात करती हूँ। डीडी को ले लो, बाबर को ले लो, ये नैना को ले लो, रुबीना को ले लो, हर एक का ऐसा कंटेंट है। ऊपर से सितारा का भी वैसा ही है, टॉयलेट वाला, ठीक है ना? ये पूरा खानदान वाइटी पे ना अभी पागल हो मैं गया हुआ है सैनिटरी उठा के रख रही हूँ, अभी प्राइवेट का कंटेंट बस। बना रही। ओ बीबी आ जाइए, आई एम बैक, कहती है आई एम बैक सैनिटरी बैक उठा के के रख रही हूँ। सुन तो सही, पलवी गया के बड़ा थंबनेल लगाया आई एम बैक उसको। अच्छा, बस समझ नहीं आ रही थी कि बेचारी क्या बोले। बताए ना कि मैं बैक शूटिंग करके आई हूँ, वकार जी आए हुए हैं, उनके साथ में सितारा का आसमान की शूटिंग में बिजी थी, तो क्यों नहीं बताती है? अरे पल्लवी एक मिनट म्यूट कर, फातिमा आइए जरा इससे बात करने दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हेलो एंड फातिमा, मेरे अस्सलाम से आप वालेकुम डांट सब खाओगी, लोगों को। पहले तो क्यों, मेरे क्या से हुआ डांट थोड़ी है? सिखा लो। आप क्यों, पहले क्या हो नैना को मुझे गया? बताओ, ये मैसेज आपने क्यों तंज किया है, या किस मतलब थिंकिंग में किया है कि मेरे बच्चा को क्या बहुत बोला जाता है तो आप प्लीज स्टैंड सो। तंजिया की है मैंने? वो कहती है, वो नीचे मैसेज आया कि जी इसके बच्चों को ना ये सितारा के मुस्तफा आयत और क्या है तीसरी का नाम तैयबा, इसको फातिमा और शबनम बहुत गंदा बोलते हैं। तो मैंने कहा मेरे बच्चों को भी बहुत गंदा बोलना जाता है, तो प्लीज हमारे लिए भी स्टैंड लो। मैंने तो ये उससे इसको पहले लिखा है, आपने आपने उसके अल्फाज सुनी है कि आप लोगों की वजह से शर्मा के सुनी? बच्चों को गंदा बोला जाता है? आप उससे, मैं कहती हूँ, सवाल करती क्यों हूँ जो बंदा डिजर्व नहीं करता जवाब देना? तो मैंने उसको वही जवाब दिया, मैंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं दिया, प्यार मोहब्बत तो नहीं करके आई, उसको सही नहीं जवाब नहीं दे के आई हूँ। उसने मुझे बोला, एक सेकेंड सुनो, हाँ उसने मुझे बोला कि मैं उसको तो पहले का डिसोन कर चुकी हुई हूँ। मैं लिखा कि तुम होती कौन हो डिसोन करने वाली, मैं तो कभी तुम्हारी सपोर्टर ही नहीं थी। मैंने कभी बोला कि मैं नैना को पसंद करती हूँ? मैं तो शुरू दिन से नहीं करती उसकी हरकतों से। ये मैं कहा कि तुम जो है अपनी खाला के जो है सितारा की तुम कह रही हो कि वो बड़ी जी अच्छी हो गई है, अब उसने जी जो कर लिया है तो वो ठीक है, अब उसको मैं मार दूं, ये कर दूं तो वो कर दूं? आओ आके उसका गुनाह बताओ और आके सुलकरू हो, अल्लाह की नजर में अच्छी हो। मैंने उसके बारे में नहीं कोई बात की, उसके बारे में मैं, छोड़ मुझे दो, नहीं अच्छा अब लगता आपको उन्होंने पता क्या नहीं चल रहा रखा कि है। वो पलटी मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी पलटी वो कहते हैं ना बज नहीं रही है, वो लेकिन मैंने जाने की बड़ी इंसल्ट ना ट्राई ना कर रही करे, है। हाँ, इंसल्ट क्या ना वो करे, होती कौन है मुझे डिसोन करने वाली? मुझसे पूछो तो सही कि मैं तुम्हारी सपोर्टर हूं मैं कि नहीं, नहीं, उसने आपका नहीं हाल ही कहा, उसने उसने सबका ही कहा कि इनको मैं डिसोन कर चुकी हूँ मैंने अरे सबको, लेकिन हमने तो कभी सपोर्टर ऑन है किया ही किधर नहीं। उसके? हाँ वही हाँ तो कह रही हूँ, उसने स्पेशली मेरा नाम लिया है। उससे क्या, जिस हाँ चैनल पे कल वो आके बैठी है ना, वो क्या है बाकी और उसकी बीवी, उस चैनल वाली को तो मैं बहुत देर पहले से डिसऑन कर चुकी हुई हूँ शबनम की लाइफ में। तो भैया हम तो, मैं तुम्हारी सपोर्टर कब हूँ? मैं यही तो लिखा, मैं कब हूँ तुम्हारी सपोर्टर? मैं तो कभी तुम्हें ऑन ही नहीं किया, और तुम होती कौन हो डिसऑन करने वाली किसी को? मैं तो पूछूंगी ना, यार बिना वजह तुम क्यों इंसल्ट कर रही हो अपनी पब्लिक के सामने, हमारा ये गंदा इमेज कर रही हो? गलत बात है यार जो भी नहीं है। नहीं 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 गंदा इमेज वो जो मर्जी कर ले, आई डोंट केयर, वो कुछ भी नहीं कर सकती है, अल्लाह माफ करे। आजकल उनके अपने खानदान की कोई वैल्यू नहीं रही हुई है, जो उनको ब्लॉगिंग जो वो कर रही है ना, कि उनकी बिल्ली जाके कप में, वही चाय वाले कप में मुंह मार रही है और उसी कप में वो चाय पी रही है। आई एम सॉरी, ऐसे लोग डिजर्व ही नहीं करते कोई ना, इनको हाइजीन का कोई फिक्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पहले भी अब आप रॉक्सी से बड़ा प्यार करती हो, आप कब बच्चा कहती हो ना, लेकिन आप उसके झूठे बर्तन में खाना खाती हो। ठीक, उसको अच्छा छू के हम हाथ मुंह तक नहीं लगाते अच्छा हैं। जैनब मैं बताऊं, पर मैंने उसको, एक सेकेंड जैनब, मैंने उसको तंजिया बोला था, वो वहां पे बड़ा बोल रही थी उस नैना के, ये क्या है, पिटारो के बच्चों के लिए कि जी उसके बच्चों को इतना गद्दा बोला जा रहा है तुम लोगों की वजह से। मैं कहा मेरे बच्चों को उससे ज्यादा गद्दा हमारे बच्चों को बोला जा रहा है, चल मेरे बच्चों को बोला जा रहा है, स्टैंड लो इसके लिए भी। तुम जो आती हो ना बड़ा सिर्फ सितारा के बच्चे यार, खाली क्या उसके आपको बच्चे लगता है नहीं वो स्टैंड लेगी? वो इस काबिल है कि वो स्टैंड ले सकती है?
सुन तो लो, हाँ मैंने उसे डांस किया है, उसको मैंने शर्मिंदा किया है कि यहाँ पे सिर्फ सितारा नहीं है या उसके बच्चे नहीं है, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे। ये तो मुझे यार, पता है, वो लोगों को कभी हाल भी मैसेज में नहीं पॉइंट है। नहीं ना समझ आता फातिमा, बात यही है कि लोगों को नहीं समझ आता, बात चलो यही है कि एक हाँ बार एक समझाया ना, यहाँ मैं समझाया संदना मैंने। सिस्टर, हाँ थैंक, एक मिनट हाँ, संदना सिस्टर वेलकम और थैंक यू सो मच। सुलेमान वालेकुम सलाम, थैंक यू आने के लिए, वेलकम हो गया सभी का। हाँ अब आप लोग बोलो। हाँ सही अच्छा कह रही और हो आप मोहित, ना मेरी एक मेन बात जो है ना, मानो, जी शबनम ने जी आपसे जो 3 दिन से चीज मांगी भी है ना उसको प्रोवाइड करो प्लीज, लेजी मत बनो ठीक है। कौन सी हमें वाली कुछ तीन ना चीज दिन से? अच्छा आप वो पैनल पे तो नहीं ना बोला जा सकता बेटा। वो वाली, वो जो एक बनाया था यार, वो मैंने फिर से उसकी देखूंगी, फिर मैं करती हूँ वो ना हाँ तो करो ना, स्टार्टिंग उसको जरूरत है में, ना, अभी कुछ देख चाहिए तो लेती हूँ मांग साथ, रही है ना। अरे मैं हाँ अभी साथ में ही कर लेती हूँ वो। हाँ मुझे ना असल में टाइम नहीं मिला, मैं यहाँ पे ना किसी और, हमारी ना, मैं यहाँ पे वाईटी से हटके ना किसी और चीज में मैं फंसी हुई थी काफी, उस चीज की ना मुझे थी, हमारी कुछ परेशानी बनी हुई थी, तो वो मैं उस चीज में बहुत फंसी हुई थी, तो बस ना अल्लाह खैर करे, इसलिए। अल्लाह परेशानियां हाँ दूर अब करे, कोई नहीं बस। तो हाँ खत्म हो गई है, खत्म हाँ हो गई है, वो तो कोई बड़ा अब मसला नहीं है, लेकिन हाँ उस वक्त बहुत बड़ा मसला था, तो बस सही अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गया। तो मैं उसमें बहुत ज्यादा जो थी ना, मैं इतनी टेंशन में थी कि आपने देखा होगा मैं लाइवों में भी कोई खास नहीं थी, मेरे से हो नहीं रहा था। नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, कोई नहीं। परेशानियां खुशियां सारी जिंदगी के साथ ही आती रहती हैं, लेकिन इन चीजों में अगर थोड़ा सा हेल्प जल्दी कर दो ना तो काम जल्दी हो जाते हैं थोड़ा सा ना, हाँ मैं नहीं वाईटी लेजी से होने से। जरा हाँ हटी हुई थी, सही पूछे, मैं हाँ किसी का नहीं देख रही थी, बस लाइव में आ जाती थी, शबनम की आ गई या आपकी आ गई या अपनी, बस और मैं हाँ नहीं थी देख रही ना, मैं या भी इस टाइम तो बाकी इसीलिए आ गई हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ना अभी शॉपिंग करने मैं निकले हैं अपने पापा जान के साथ, तो मैंने कहा चलो फायदा भी चाहती उठाओ। हाँ घर नहीं है कोई ना हूँ। जी। हेलोवीन की शॉपिंग, नहीं, मैं नहीं हेलोइन मनाती फातिमा ना, ऐसे काम नहीं, मैंने मम्मी अपने भी बच्चों को मनाती, आदत डाली भी ना 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 बनाते नहीं मैं भी नहीं वही वैसे ही रहूंगी। वैसे ही। उसकी सॉक्स नहीं थी बेटे की ना, उसकी सॉक्स खराब हुई हुई थी, तो उसने प्रॉमिस लिया हुआ था पापा से जी कि मुझे ना 3 शॉपों पे जाना है, तो वो अब अपनी कहते हैं ना डिमांड्स पूरी करवाने गई है बाप के साथ। ये अच्छा, बाप ही क्यों सारी तो डिमांड पूरी करते हैं, माएं क्यों नहीं करती हैं? हाय पल्लवी रहन दे, खुदा दा ना ले, मैं रोजाना एटलीस्ट 15-20 पाउंड बच्चों पे ही स्पेंड करती हूँ, अगर उनको कोई चीज चाहिए हो, और उनके बाप को सारा नजर आता है, ये बाप नहीं हाली पूरा करता, मैं भी करती हूँ यार, मेरी जो सेविंग होती है मैं एग्जैक्टली करती पता हूँ। है, मैं अपने बच्चों की 50% ऐसी चीजें होती हैं जो उनके बाप को बिना बताए पूरी करती हूँ, लेकिन हाँ उसके यही बाद ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लगता है कि नहीं, बच्चों को स्टॉप भी होना चाहिए कि नहीं हाँ तो नहीं, चाहे वो 10 रुपए की चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को कमांड भी देनी चाहिए कि हर जरूरी नहीं है हम हर चीज आपको लाके दें। तो पता है बिल्कुल मेरे बच्चे इतने शातिर हो चुके हैं कि मम्मी ने जो दिलाया है वो तो डैडी को बताना नहीं है, तो हाँ डैडी को चुपके से बाहर ले जाते हैं। सही यही और है जबकि बिल्कुल। जबकि मुकेश को पता है अच्छे से कि अगर ये मुझे चोरी से ले जा रहे हैं तो दैट मीन्स पल्लवी ने ना किया होगा, लेकिन फिर भी वो हाँ कहते हैं जब तुम बिगाड़ती हो तो मैं क्यों नहीं। मैं अच्छा सही है, अब यहाँ पे ना बच्चे मेरा अपने उल्टा हैं। हिसाब है पल्लवी, मैं तो नहीं, मैं ज्यादा इनकार करती हूँ और ये मेरे हस्बैंड जो है ना ये बिगाड़ देते हैं। मैं आज वही अपनी बेटी को बोल रही थी, मैंने कहा तुम लोगों का ना छुट्टियों में भी आना जाना, उसको सुकून नहीं लेने दिया कि एक छुट्टी भी वो बेचारा आराम से सुकून कर सके ना घर ना, तो वही मेरी शक्ल देख हाँ रहे थे। मैं बल्कि ज्यादा कंट्रोल करती हूँ और अदनान नहीं इतना करते, वो कहते हैं कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता यार, बच्चे मांग रहे हैं तो क्या है, बच्चों के लिए करना है ना सारा कुछ। हाँ मुझे भी यही लगता है। मैं हमेशा मुकेश को ना ये बोलती हूँ कि यार मुकेश, शौक ना माँ बाप की कमाई में ही पूरे होते हैं, अपने में तो जिम्मेदारियां ही पूरी कर पाते हैं, अब हम अपने शौक कितने पूरे कर रहे हैं, बिल्कुल शादी के मुझे बाद भी यही यही होता लगता है है। यार। हाँ बिल्कुल। और दीदी अच्छा देखो उस टाइम फातिमा पे सुन, कपड़े कम होते थे। जी बोलो शबु। हाँ फातिमा मैंने तुम्हारे को बोली थी ना वो एड्रेस वगैरह नाम वगैरह सब भेजो मुझे। एड्रेस किसका एड्रेस किसका एड्रेस पीछे बताए जरा, 1 सेकेंड, वो मेरे निकल आए, वो मैं आपको भेज रही हूँ, मैं साथ में ना अच्छा दूसरी साइड मैं आप दोनों बात कॉल करो, मैं एक मिनट नीचे जाना का जवाब दे कर जाना, मैं ना यहाँ पे बता देती, लेकिन बताऊँ क्या है, ये फालतू में आके ना कंट्रोवर्सी में बात ज्यादा उछालते हैं, जहाँ पे मैं रहती हूँ ना हम लोग वहीं पे करते हैं बिजनेस, यहीं पे है उनका, कहीं दूर नहीं करते, उसी सिटी में है, हाई स्ट्रीट में है उनकी अपनी ना रेस्टोरेंट, तो जहाँ पे मैं रहती हूँ उसी एरिया में है, दूर नहीं है यार। मेरा कहती हूँ कि शादी जब की है तो दूर क्यों रहना है भाई,
और जब हम एक कंट्री में रह रहे हैं तो मेरा हस्बैंड करने काम किसी दूसरी सिटी में क्यों जाके करे, वहीं पे रहे ना जहां पे उसकी फैमिली है। और मेरे हस्बैंड को भी नहीं आदत यार कहीं छोड़ के जाने की अकेले, कभी गए भी तो हैं तो सिर्फ वहां पे गए हैं, क्या कहते हैं यार, पाकिस्तान, वो भी उनकी अम्मी की बरसी होती है तब जाते हैं ज्यादा, और इसके अलावा नहीं। अच्छा और क्या लिख रहे हैं, खतीजा हार्ट्स पल्लवी। हेलो सोबिया वेलकम हो गया, हाय सोबिया, खतीजा। बोल रही है शबनम पल्लवी को बिठा दो एक जगह, मेरे को कुछ चक्कर आ गई पल्लवी को देख के, इतना पल्लवी गोल गोल हाँ घूम रही पल्लवी चली जा रही है ना। है। पल्लवी क्या कर मैं रही कैमरा है? बंद कर लेती हूँ क्योंकि मैं बैठ नहीं सकती दीदी, बस अभी दिवाली का टाइम है, घर की क्लीनिंग में लगे हुए हैं, अच्छा, सही है। सामान आ रहा है, उसको अरेंज कर रहे हैं पूरे, मतलब ये टाइम ऐसा होता है हम हर घर का ना एक बाल बराबर भी जगह है ना उसको भी अच्छे से क्लीन करते हैं। हेलो बोल, हेलो टफ, वेलकम हो गया सभी का। क्यों का आप लोग का टाइम पीछे हो गया 1 घंटा? हाँ हो गया ना फातिमा। फातिमा तुम तो हमारा बोल रही थी तुम्हारे पास है। पास ही है, पास ही है। मैं पीछे बाद में बात करती हूँ यार। नमस्ते अच्छा टॉप, और नैनीताल जी सुनाओ भाई, आज किस किस ने, मैंने तो इसका रिकॉर्ड नहीं किया, सॉरी यार, मेरा ना इसकी फालतू की बकवास रिकॉर्ड करने का कोई मूड नहीं था आज ना। ये जो आके फालतू की अभी टेंटे करके गई है ना, पिटारा, कुछ भी नहीं फालतू के जी के, ये कर लो, अल्लाह ताला से रुजू करो तो वो हो जाएगा। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं जो देता हूँ उस पर खुश रहो, जो तुम लोगों की चाहत है उस पे ना, वो लेक्चर की सारा हमें पता है यार, हम इस्लाम पे ही चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ही ख्वाहिश पे चल रहे हैं, और अपनी ख्वाहिश को साइड पे रख के आप भी इसी तरह करें तो आप आके लोगों को बताएं ना कि आप पिटारा की वो जो आसमान की शूटिंग कर रही थी उसमें बिजी हैं। और ये जो आजकल नया कदारू है ना, ये बड़ा लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहा है कि जी ये तो बैक बोन है इनकी, अल्लाह माफ करे, कैसे कैसे लोग आ गए हैं। आज तो प्रूफ हो गया जी, केस बीबी फंड के चक्कर में ही बैठी हुई है पिटारा की करने के लिए। आप लोगों ने इसकी लाइव देखी है किसी ने? शबनम पीछे मैसेज एक दफा देख लेना, वो अच्छा यार मैं अकेली बोल रही हूँ, किसी कोई जवाब तो दे दो, हाँ या ना में। मैं पीछे असल में वो दूसरी बात में बिजी है, एक सेकंड रुक जाएं। लाइव देखी है, अच्छा मैं भी यही बात करने लगी हूँ जरा, हाँ मैं एक सेकंड ना, मैं नहीं जरा दीदी बिजी मैंने तो हूँ, देखी नहीं, मैं तो प्लीज बिजी हूँ सुबह से, आज मैंने वैसे ही देखी थी संडे थोड़ी है। सी ना, हाँ जितनी देखी मतलब जितनी देखी गई। शबनम वो जो है ना वो मैं कल ही दूंगी क्योंकि मेरे पास वो लिखा हुआ नहीं है, वो उसके अंदर अंदर ही होता है वो सारा ना, पेपर्स में होता है। तो मेरी जब उससे बात हुई थी ना तो उससे कहा था, क्योंकि वो हाथ में तो नहीं ना मेरे पास होगा यार, वो लेना पड़ता है ऐसे, वो देते भी नहीं है पता है, यहाँ पे देना अलाउड नहीं होता है, वो मुझे नहीं भी नहीं वो दे चीज सकते। अब तुमको कहां से मिली थी? सारी बातें इधर ही बता दो। यार देखो फातिमा यहाँ पे है ना यही बात आती है ना यार, सब बोलते हैं कुछ किससे कर मिली रहे नहीं होगी? है, कुछ कर रहे नहीं है, हाँ अब ये तो बात ही नहीं होती है ना कि आईपी एड्रेस अब होते हैं ना, जो आपका आईपी एड्रेस होता है ना जिससे आपका इंटरनेट चलता है, क्योंकि इसके अलावा और हमारे पास कोई चीज नहीं थी, ना फोन नंबर था ना कुछ और था, आईपी एड्रेस से ट्रेस होता है, जो जो आपका साइबर क्राइम होता है ना वो उसी तरह निकलता है अगर आपके पास एड्रेस और फोन। हाँ इसमें थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है वो आईपी एड्रेस से निकालना कोई इतना आसान काम नहीं अच्छा होता, कितने लगते हैं फातिमा फिर ज्यादा लगते हैं, डिपेंड भी? करते हैं यार कितना है। तकरीबन मेरे इस वक्त हमारे कितने लग चुके हैं, तकरीबन हमारे ना इस वक्त टोटल इंतजाम ना हमारे 5,000 के करीब हमारे लग चुके हुए हैं, मतलब कि वो आईपी हमारे एड्रेस से डिटेल निकलवाने पे फातिमा, आर यू सीरियस? नहीं, हाँ टोटल केस में, केस नहीं में नहीं मैं टोटल केस की यार बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ आईपी एड्रेस से वो बात कर रही। वो उसके अंदर ही होता है, वो मुझे नहीं पता है अलग से कितने, मैं पूछ लूंगी उनसे, वो हाँ उसके अल्लाह अंदर ताला ही से वो होते पूछो, हैं। मैं और केस की नहीं बबूली पूछ से रही। ना, अच्छा
नहीं नहीं मेरी बात सुनो छात्रा, आईपी एड्रेस को निकालने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं एक्चुअली। अगर आपका वो पुलिस बिहार में है तो वो खुद निकालते हैं। वो पुलिस अगर हो ना तो वो जो है वो आपके ऐसी करती है उसमें आपको कोई नहीं, लेकिन उसके लिए सीरियस क्राइम होना बहुत जरूरी है। वो ये होते हैं कि कोई आपके घर के अंदर आ जाए, या फिर यहाँ के रूल्स ना डिफरेंट होते हैं, कोई फिजिकली आपके सामने आके खड़ा हो जाए ना, फिर वाकई में नहीं कुछ होता। लेकिन ये इस वक्त जो है ना, ये मैं अपनी तरफ से खुद कर रही हूँ, तो ये उसके अंदर से ही था सारा ना, मतलब टोटल मेरा नहीं, इतना मेरी है। बात सुना फातिमा, देखो अब मैं ना क्लियर बात करती हूँ। तुम इतनी बार बोली ना कि मेरे पास में एड्रेस ये वो सारा कुछ पड़ा हुआ है, कितनी बार तुमने ये बातें लाइव में की है, ठीक है। और तुम बोल रही हो मैंने किसी को भेजी हूँ, मैं इससे लेके देती हूँ। कोई भी चीज किसी को भेजने से अपने पास में खत्म तो नहीं हो जाती ना, तुमने मैंने सेंड किया होगा तो वो होगा ना। नहीं, मैंने कब कहा मैं भेजी हूँ, मैंने कब कहा है? तो क्या बोल रही हो फिर, मैं इससे लेके देती हूँ? मैंने कहा मेरे लॉयर के पास है, वकील के पास है, मेरे वकील मुझे घर में तो नहीं देगा, उससे तो मेरी जब बात हुई उससे पेपर्स मतलब में है ना, वो अंदर उन नोटिस लोगों ना ने दे ही सकता। निकाले। हाँ उन्होंने तो निकाले, और किसने? मैं कह लॉयर के पास है, मैं लॉयर को फोन करके लूंगी। आज छुट्टी है, आज तो नहीं वो होता बैठा होता वीकेंड पे, कल मैं करके तो मैं आपको कल दूंगी, ये मैंने बोला। मैंने किसी को भी नहीं भेजा, ये इलीगल है, मैं दे ही नहीं सकती हूँ। मेरे पे वो यहाँ पे वो जुर्म हो जाए, वो मेरे पे यहाँ पे केस बन जाएगा बहुत बड़ा ना। लेकिन आप चूंकि इंडिया में हो और आपके लिए वो मसला है, कोई नहीं इसलिए बनता, मैं नहीं आपको बनता बस नहीं। केस, नहीं बनता इन बोलते चीजों किसी की आप पे। प्रीवेसी लीक कर रहे हो, बनते बनते जब यार बनते वो ऑनलाइन आप नहीं ना दे सकते लीक हो, मतलब आप ऐसे दे रही हो करना ना। लेकिन मैं अलग शबनम को चीज दे है, थोड़ी करना दूंगी, है। शबनम को दूंगी ना मैं, शबनम क्योंकि इंडिया में है ना, हाँ बिल्कुल। नहीं और नहीं वैसे आप शबनम ऑनलाइन आके बता तो नहीं ना ये रही हो यार, बैक साइड पे दे रही हो ना, हाँ ये बात हो रही है। हाँ हाँ तो मैं अपने ना, क्योंकि मेरे जो है ना, आपको पता है यहाँ पे जो आपका वकील है वो भी नहीं आपको ये चीज देता, पुलिस तो कभी भी नहीं ना देती है ये, तो फिर उसने करके जो है ना ले लिया मैंने, जिस तरह भी था ना उसने दे नहीं, दिया। आप जिस पे केस कर रहे हो यार उसको तो दे देते हैं फातिमा, ये तो नहीं होता यार। वही मैं कह रही हूँ, नहीं देते यहाँ पे यार, वो ये दे होता है कि देते आपको हैं ऐसा ऐसा फातिमा, थोड़ी फातिमा ना है। नहीं आपको अपना लॉयर कैसे नहीं देगा मान लो, यार? यहाँ तो अलग देखो होता है यार, आप लोग मान लो बात, नहीं अच्छा देते। मेरी बात सुनो, डर होता है कि जी आप वहाँ, क्योंकि वहां क्या जाके फाइल ना कर ले, कोई और मसला आपका केस ना नीचे हो जाए, यहाँ पे सिर्फ आपको कोर्ट का एड्रेस अच्छा मिलता है, मेरी आपको बात नहीं सुनो, केस देते। जी जी करने के लिए तुमने जो वकील किया है उसको इसका कुछ तो दिया होगा ना कि इसके ऊपर करो? सिर्फ चैनल का नाम होता है और उसका नाम होता है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे पास और कुछ भी नहीं था, इन दोनों का कुछ नहीं था, इनफैक्ट तीनों का कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने तीनों पे किया था, मेरे पास तीनों का देखो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक नंबर, सिर्फ चैनल का नाम था और ये था, इसीलिए इतना टाइम लगा है। कम से कम इतना टाइम लगता है, वरना तो एक आपका हो चुका होता, फिर अच्छा, बीच ये में सब थोड़ा होने जहाँ के पे बाद मसला में हो गया। भी वकील ने तुमको फाइल नहीं दिया, सारी कोई चीजें सेंट नहीं किया कि ये आप एक कॉपी अपने पास ही यार संभाल के रखो? बीच में थोड़ा मसला हो गया था, इस वजह से थोड़ा जो है ना प्रोसेस थोड़ा हो गया था, स्लो हो गया था, कोई मसला हो गया था, आप मैं अब यहाँ पे अब मैं क्या बताऊं, तो इसकी वजह से थोड़ा हो गया था, वरना नहीं मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास अभी जो होगा वो कल ही होगा, मेरे पास अभी नहीं है, मैं कल ही दे सकती हूँ ना, अभी नहीं मेरे पास। आपने भी असल में बेसिकली जब करना होता है ना, जो साइबर क्राइम होता है उसमें आपके लिए एड्रेस का होना जरूरी नहीं है, ना आपके पास फोन नंबर का होना जरूरी है। मुझे नहीं पता इंडिया का या बाकी का क्या रूल है, यहाँ पे ऐसे है सिर्फ आपके पास उसका जो आपके लिंक होते हैं सिर्फ आप वो देते हो, क्योंकि आपको क्या पता कोई दूसरे मुल्क से आपको कर रहा है, आपको उसका एड्रेस तो नहीं पता होगा, ऑनलाइन आके आपको किसी की आपको आइडेंटिटी का तो नहीं पता होता ना, क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम, वालेकुम। हाँ जी शर्मा सिस्टर, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम, सारों को सलाम हो गया। अच्छा ऐसा है कि आप सिर्फ, मैं आपको तरीका बताता हूँ, आपने जो काम करना है ये हमेशा जो है ना अपने नेम से कोई भी नहीं वहां पर दरखास्त वगैरह, वहां पर एप्लीकेशन जो भी, ये एप्लीकेशन है, ये वहां पर केस नहीं है आपके ऊपर, पहली चीज ये, ठीक है? एप्लीकेशन भी, एप्लीकेंट जो होता है ना वो अपना नाम, एड्रेस, अपनी सारी लोकेशन, हर चीज उसमें मेंशन करनी पड़ती है, फिर देना पड़ता है अपना आईडी, आईडी भी वहां पर जिसे कहते हैं आप शनाख्ती कार्ड, ठीक है?
यहाँ पर हर एक मुल्क का होता है, उसमें आपको मिलता है रेजिडेंस जिसमें प्रूफ होता है, वो देनी पड़ती है चीज। मैंने भी जितने भी एप्लीकेशन वगैरह सेंड किए हैं मैंने सेम इसी प्रोसेस से की है, ठीक है। मेरी भी एक नहीं गई, मैंने 3-4 पाकिस्तान में की हैं, इसी तरीके से जाएंगी। अब वो प्रोसेस कितनी जल्दी होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, आप क्योंकि खुद बैठी हुई हैं वहां पर, आप पर्सनली करेंगी ना तो आपका जल्दी हो जाएगा। हाँ मैं इधर बैठा हूँ, ऑनलाइन जो होता है ना वो इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं होता। जिन लोगों को हमने आगे अथॉरिटी दी थी वो लोग ही हमारे सुस्त रहे, जिसकी वजह से अभी तक हमारे केस लटके हुए हैं। बस ये इतना सिंपल मैं आपको छोटी सी बात कहूंगा। भाई लेकिन आप भी सुस्त हो, मैं आई एम सॉरी टू से, यहाँ पे ना मैं आपको गलत कहूंगी, नहीं आपको भी एक चीज कहने के लिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन पे बात हो जाती है फिर गलत हो जाती है, इसलिए ना कहें ऐसी बातें ना प्लीज, क्योंकि आप भी थोड़े से सुस्त हैं। मैं कुछ चीजें कह रहा हूँ आप छोड़ दें, आपने सुख सिस्टर अभी तक मेरे से रابطے में नहीं थे ना आपको पता। भाई लेकिन मैं जिनसे रابطے में हूँ मुझे तो पता है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और आपने क्या किया पीछे से। आपको बता रहा हूँ कुछ भी नहीं पता आप लोगों को, क्योंकि रीजन ये है ना शबनम सिस्टर को पता होगा ना आपको ना पल्ली सिस्टर को, जिनको मेरी जो फातिमा से भाई बात हुई है, मेरी आपसे बात होना जरूरी नहीं है, मेरी फातिमा से हुई थी, मुझे इतना फातिमा ने बताया था ना। नहीं फातिमा के पास भी चीजें नहीं है, चीजें सारी भाई चीजों की बात हो रही है, बात हो रही है लेजीनेस की, आपने जो कहा कि पीछे जो मैं उसकी बात कर रही हूँ, मैं चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, बता रहा हूँ वो मैं आपको। एक मिनट, आप मुझे ना सिर्फ व्हाट्सएप पे या उस पर आए, मेरे मोबाइल में है, ठीक है, मैं आपको उनकी जुबानी सुना दूंगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा, जो बोल रहा है ना उसकी सिर्फ सुन लीजिएगा, सिर्फ मैं, मुझे पता है, मुझे पता है वो सारी चीज का, लेकिन आप जब सुनेंगे ना आपको खुद ही पता लग जाएगा ये क्या हुआ, ठीक है। हम चीजों को मिला देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ये सारे रुक गए काम। उसकी रीजन थी कि हमारे अपने ही बंदे बहुत लेजी रहे हैं जिसकी वजह से ये सारे काम, अपनी गलती ये कि हम नहीं थे मौजूद, सिंपल ये। मैं तो इतना हाँ एक चीज मैं हमेशा भाई से फिर वही गलत बात बोल रही हो, मैं आपको कह रही हूँ यहीं पे रुक जो बताऊँ क्या बात है। फिर जाहिद भाई आप पीछे से आपने किस पे से कहा था, जाहिद भाई कोई कहा था ना, और तो कोई नहीं, ठीक है, अदील भाई भी थे, अदील को छोड़ दो, अदील को नहीं मैं बीच में लेकर, अदील इस टाइम पे जेल में बैठा था, मैं इस टाइम पे जाहिद की बात कर रही हूं। आप मुझे सारे बाद में अप्रोच कर रहे हैं कि ये दे दें ये दे दें, मैं सब कुछ पहले ही दिया हुआ था इन लोगों को, इन लोगों ने खुद सुस्ती की तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरा तो नहीं उसमें कसूर। भाई आपने बाद में जो जाहिद भाई को भी अगर जवाब दिया हुआ ना, वो यही कह रही हूँ कि सुस्ती हर जगह से हुई है, ये नहीं कि आज एक जगह से हुई है, ये बहुत पहले की बात है, ये बाद में जो जवाब अच्छा, है ना, एक बात खाली, एक बात का खाली जवाब चाहिए मुझे। देखो अगर आपके पास में, मैं फातिमा को बोल रही हूँ कि फातिमा के पास में नहीं है कुछ चीजें, तो वो क्यों पैनल पे बोलती है मेरे पास ये है मेरे पास वो है, नहीं तुमने यार कितनी बार बोली है, जब उसका नाम रिवील हुआ था तो तुमने बोला था ये इसका नाम नहीं है, इसका नाम दूसरा है, मेरे पास में इसकी सारी डिटेल पड़ी हुई है। शबनम सिस्टर मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली होता क्या है। देखो शबनम सीधी सी बात है, यहाँ पे डिसाइड हुई थी कि मैं केस की बात इधर नहीं करूंगी, दूसरी बार ये बात मेरे पास हो, एक सेकंड शबनम प्लीज मुझे कंप्लीट करने दे, मेरे पास चीज हो या मेरे वकील के पास हो ये सेम थिंग होती है, वकील आपका जो है ना जो आपने दिया होते पैसे देके किया होते वो आपका अपना पर्सनल होता है, आपके पास हो उसके पास हो सेम चीज होती है, इट मीन्स कि वो मेरे पास ही है। अब मैं जो वो यहाँ पे एड्रेस जो मैं हाथ में लिख के तो नहीं रखूंगी ना, वो जो आपने किया तो क्या फातिमा तुम कैसी बातें कर रही हो यार, कि मैं हाथ में तो नहीं रखूंगी तो मैं ये नहीं करूंगी, ऐसे कहाँ पे होता है, मुझे समझ नहीं आ रही यार, मैं ऐसे नहीं कुछ भी नहीं मैं ऐसे कर सकती जब तक मैं अपने वकील से नहीं पूछ सकती हूँ, मेरे पास नहीं है मैं कैसे ऐसे दूं, आप नहीं बात समझ रहे हो ना, मुझे समझ नहीं आ रही बात ऑनलाइन करने आके जरूरी होती है यार, ताकि सबके सामने बताओ ये आप पता क्या है, ये हम लोग खुद ही एक दूसरे की ट्रोलिंग करवाते हैं, खुद ही एक दूसरे को मजाक का तमाशा बनाते हैं, आप देख लेना। क्यों ऑनलाइन आके फिर बोलती हो यार कि मेरे पास ये वो है, मैं तुमसे 3 दिन से, ये फातिमा तुम्हारी आदत ना बहुत गंदी है कि कट करके चले जाना, जवाब नहीं देना होता है ना तो तुम इसी तरह से ना कट करके चले जाती हो, समझी, मेरा ना फातिमा दिमाग नहीं खराब किया करो, जब तुम सिचुएशन नहीं संभालती हो तो तुम खालिद भाई को भेज देती हो,
या तुम कट करके चली जाती हो। यार किसी को करना है करो, नहीं करना है मत करो। तुम्हारे मुंह से सुनी मैंने, इसीलिए मैं तुमको बोली ना कि दो। क्यों मैंने सियोक से नहीं मांगी, पल्लवी से नहीं मांगी, तुमसे क्यों मांगी? क्योंकि तुमने बोली ना क्या है मेरे पास। खुद ही ट्रॉलिंग करवाते, मैं क्यों करवाऊंगी भाई? तुम नहीं बोलती, यहाँ पे नहीं पता होता मुझे तो मैं नहीं मांगती यार तुम्हारे से। यार मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं यार। फातिमा मैंने कल भी ऑनलाइन ही पूछा था तुम्हारे से, मैंने यहाँ पे ही पूछा था, परसों भी मैंने तुमको ऑनलाइन ही पूछा था। अगर तुमको दिक्कत थी ऑनलाइन मत पूछो तो तुम पहले ही दिन बोल देती कि मेरे से ऑनलाइन मत पूछो। मेरे अंदर घुस रहे हैं ना इन लोग, तो इन लोगों को इतना नहीं पता कि अगर मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती ना, तो मैं पिटारा का तो जरूर बिगाड़ सकती हूँ, इनकी मालकिन का। समझ आ रही है? फिर बैठे रहे हुए ये लोग उसको सपोर्ट करते। मैं बोलूं शबनम? ठीक है फातिमा, ठीक है यार। हाँ बोलो पल्लवी। गुस्सा ना करो यार, आराम करो। मैं ये बोल रही थी। नहीं यार गुस्सा नहीं करने की बात नहीं है, ये लोग है ना बैठ के जो कर रहे हैं ना इनका, मैं तो बोलती हूँ झांटे उखाड़ के बाहर बांध ले वे मेरे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। समझ आई? कुछ नहीं होना इसमें, तो करने दो। पता है यार इसलिए तो बोल रही हूँ ना कि मेरे झांटे उखाड़ के ना इन लोग बारे बांध ले वे। मैं करूंगी ना तो इनको पता नहीं है, इन लोग समझ रहे हैं, सुनो मेरी बात, इन लोग समझ रहे हैं कि हाँ भाई गरीब है, इसके पास में तो है नहीं, तो ये कुछ नहीं कर सकती है। तो जितना तुम लोगों के पास में है ना, उससे ज्यादा मेरे पास में है ना सपोर्ट है। ये लोग जानबूझ के फातिमा सीओ आपस में नहीं करो। हाँ फातिमा तुमको याद है मैंने कल तुमको मैसेज की थी, कितने सारे मैसेज की मैंने, कॉल की, तुमने अटेंड की?
तुम कैसी बातें करती हो फातिमा, तुम रिप्लाई नहीं देती हो, फिर बोलती हो ऑनलाइन नहीं व्हाट्सएप पे कॉल करती मैसेज करती, तुमने कभी देखा वो मैसेज? सच्ची बोलना फातिमा, यहाँ पे तुम इस तरह से जता रही हो ना जैसे मैं लाइव में आके ही तुमको बोल रही हूँ। मैंने पहले तुमको ऑफलाइन वहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर मैंने तुमको मैसेज नहीं की, मैंने तुमको कॉल नहीं की, कैसी बातें करती हो फातिमा? फातिमा ऊपर आओ। अच्छा चलो, कोई नहीं था ना वहां पे पाकिस्तान में तुम्हारी बहन के साथ में, उन लोगों ने इतनी घटिया हरकतें की। हाँ तुम बताती हो ना, तुम्हारे अब्बू जो अच्छी खासी पोस्ट पे थे यार, उनके कलीग होंगे, उनका नाम है वहां पे, ठीक है, उनकी पहचान होगी, उसके थ्रू ही तुम अपनी बहन के, तुम्हारी बहन को कितना ज्यादा मतलब ये किया गया कसम से, तुम उसके थ्रू भी करवा सकती थी ना। ये नहीं बोला जा सकता यार कि हमारी पेंडिंग पड़ी है, हमारी सुनी नहीं जाती है। कितना ऑनलाइन उन लोगों ने गंदी हरकतें की है उसकी पिक्चर के साथ में। नहीं यार किरण मेरी बात सुनो, यहाँ पे ना इतना ये नहीं है कानून, ठीक है, कि होगा ही नहीं हम गारंटी से बोल दे, यहाँ पे कानून इतना लेजी नहीं है। नहीं नहीं यहाँ में हम लोग लड़ थोड़ी रहे यार, कल ही तो किया था ना मैंने यार, कल या मैं देखती हूँ, तुमने बोला ना कि मैंने देखी नहीं, मैंने अभी देखी और रात को तुमने फिर चेक किया जाके ना। नहीं किरण मैं काम डाउन ही छू, फातिमा ऊपर आ जाओ। फातिमा वो टाइम पे नहीं किया था तुमने, बहुत घंटों के बाद में मैसेज का रिप्लाई दिया, वो भी जो चीजें मैंने तुमसे मांगी वो नहीं, तुमने बोला कि मैंने अभी चेक की हूं। यार मैंने आज तक के नहीं बोली कि मैं केस कर रही हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ या ऐसा या वैसा, मैंने कुछ नहीं बोली, ठीक है, और अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी भी ना तो मैं आके बताऊँगी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं आके बताऊँगी जब तक के मैं कुछ कर नहीं लेती। मैंने अभी भी नहीं बोली हूँ कि मैं कुछ कर रही हूँ, केस वगैरह में कुछ कर रही हूँ। ठीक है यार फातिमा, ठीक है, हाँ रे बाबा ले ले।
हाँ, क्या हो गया? बच्चों की शॉपिंग बिहेव करती है आप लोग, हमारी सपोर्ट की ऐसी की तैसी फेर देती है क्या? यार फातिमा, नीचे कमेंट मत करो, कुछ मतलब है क्या कमेंट करने से? बताओ। और तुम खुद बताओ फातिमा, एक मिनट रुको। तुम खुद बताओ। अच्छा फातिमा, क्या मैंने तुम्हारे से वही मंगली कोई चीज? तुमने खुद पैनल पे बोला है ना यार कि मेरे पास में सारी चीजें पड़ी है, मेरे पास में एड्रेस पड़ा है, मेरे पास में नंबर है, मेरे पास पिक्चर है, नाम है, तो मैंने मांगी ना यार, नहीं तो मैं क्यों मांगती बताओ? तुमने ये तो नहीं बोला था ना कि हम लोग निकलवा रहे हैं तो अभी निकालेंगे? तुम खुद आके बात करती हो, देखो फिर बाद में तुम बोलती हो ना कि मेरे ऊपर क्यों सवाल करते हैं। तुम जो बात करती हो, अगर वही बात के ऊपर इंसान बात करेगा तो फिर तुम बोलती हो कि नहीं मेरे से ये बात ऑनलाइन मत करो। अब मैं क्या बोलूं बताओ? तुम खुद सोचो ना, मैंने सीओ से क्यों नहीं मांगी, मैंने किसी और से क्यों नहीं मांगी? क्योंकि इन लोगों के मुंह से मैंने कभी नहीं सुनी ना कि इनके पास में है करके। हाँ खजूर पता है मुझे। ठीक है ना फिर? ठीक है, फातिमा मुझे सच में व्हाट्सएप पे कॉल करना यार, मुझे ना बहुत सारे सवाल पूछने हैं। चलो पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं है ठीक है यार, लेकिन जहाँ पे तुम हो वहां पे रह के तो तुम आराम से कर सकती हो ना। वहां पे तो माशाल्लाह कानून भी बहुत अच्छा है, तुमने ही बहुत बताया था, मुझे तो नहीं पता। तो मानती हूँ मैं यार कि चलो पाकिस्तान में तुम्हारी बहन अकेली है, वहां पे पता नहीं किसको तुमने क्या करने बोला था तो वो काम के लिए लेजी बना हुआ या नहीं कर पाया, वो जो भी वो मैटर तो मुझे नहीं पता पूरी तरह से, लेकिन दो बंदियों के ऊपर तो तुम कर सकती हो ना, और वहां पे रह के करना इतना मुझे नहीं लगता है मुश्किल है। नहीं संदना सिस्टर, मैं अपसेट नहीं हो रही हूँ।
अजान हो रही है तो मैं 2 मिनट के लिए म्यूट हूँ। पल्लवी ऊपर आ, कमेंट पढ़ना। जी तो अब बताओ। हाँ सोबिया से क्या इशू है? क्या इशू है यार मेरी लाइफ में बताओ।
यार फातिमा के लिए सच में कोई भी ऐसे कुछ भी कमेंट मत करना है ना, फातिमा के लिए ना सियोक के लिए नीचे कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा मैं साथ साथ में काम भी कर रही हूँ ना, तो मैं देख नहीं पा रही ना फातिमा क्या है इसको ये करो। हाँ आ जाते मुंह उठा उठा के आराम की पिल्लियां। फातिमा वो अपने तरफ की नहीं थी। फातिमा ऊपर आ जाओ। थैंक यू मामा शेख। इनके केस का भी ना मुझे पता है कि क्या इनकी खिचड़ी पकने वाली है, लेकिन यार मतलब कि यहाँ पे बेवकूफ बैठे हुए हैं क्या हाँ? ये लोग रह के कभी तो किसको तो कभी किसके ऊपर बताते हैं केस कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। और ये जो गंदी औरत ने नंबर दी है ना, इसका नंबर अब मैं बांटूंगी ना सबको, तब इसको पता चलेगा। घटिया औरत का नंबर आज तक के मैंने किसी को दी नहीं, इसकी डिटेल मैंने किसी को दी नहीं, इसकी पिक्चर मैंने आज तक किसी को दी नहीं, और इसको बड़ी चुल मची है। केस करो केस केस, मेरे से तो कुछ नहीं हो पाया, मैंने तो झांटे उखाड़ के बारे मान ली केस के नाम पे, 2 साल चिल्ला चिल्ला के, तो इसके इसके कंधे पे रख के बंदूक चला लू तो अब पता चलेगा। सबर वो बोलते हैं ना, हर शेर को 1.25 शेर मिलता है। क्यों केज बीबी, क्यों आके तूने कल परसों कल की लाइव में ये बोल के गई कि मैं तो किसी के पार्टी में नहीं हूं, तो मेरे पास टिकट नहीं है, तो मेरे पास कुछ नहीं है, वो पार्टी का लिंक नहीं है, क्यों बोल के गई जरा बताना तो सही, क्या हो रहा है तेरे साथ अंदर अंदर, क्यों आके पैनल पे अनाउंस करके गई कि मैं पार्टी से नहीं हूं। क्या लगता है तुम लोग ही कर सकते हो, और किसी में कोई दम नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आना रोना पिटना डाल के तेरे साथ क्या हो गया है जलील औरत, बता तेरे साथ क्या हुआ है।
मैंने शुरू से अभी तलक के एक ही बात बोली हूँ कि वाइटी की चीजें है ना, वाइटी तलक के रखो, अपनी औकात से बाहर मत जाओ, ठीक है। मैं कभी किसी की ना पर्सनल पिक्चर लगाती हूँ, ना मैं कभी किसी के एड्रेस लीक करती हूँ, ना मैं कभी किसी से मांगी हूँ, ना मेरे को चाहिए, और ना ही मैं ये सब चक्करों में रहती हूँ, ठीक है। पिक्चर के लिए तुम लोग यहाँ वहाँ कितनी टकरे मार रहे हो दीवारों में, मुझे पता है भाई। मेरे भी दो कान, एक नाक है, होठ है, मुंह है, दो आंखें है, तुम लोगों की तरह इंसान हूं मैं। तो पिक्चर में क्या रखा है, लगा भी दोगे तो मेरा कौन सा कुछ उखड़ जाएगा। तुम लोगों की तरह बदनामे जमाना तो हूं नहीं मैं, ये जैसे तुम लोगों के यार देख लेंगे तो पहचान जाएंगे, अबे ये तो मेरी ठोकिया थी, है ना, तो मुझे कोई पहचान जाएगा। तो तुम लोगों की तरह बिगो वाली तो हूं नहीं कि सारे जमाने के मर्द मुझे पहचानते होंगे। मैं नहीं कह रही डोडो, मैं कोई केस वेस का नहीं कह रही हूँ, कम्युनिटियां खेलने का बड़ा शौक है ना, लेकिन मैं फिर भी कम्युनिटी कम्युनिटी नहीं खेलना चाहती ना, क्योंकि ये मुझे ना सब बचकानी हरकतें लगती है। मैं कभी भी ये सारी चीजें नहीं बोलूंगी और ना मैं ये बचकानी हरकतें करके खेलूंगी। रही बात फातिमा की, इसके लिए मैं फातिमा को भी मना करती हूँ, शुरू से मना करती हूँ। फातिमा अगर कुछ कर भी रही हो ना, करते रहो, लगे रहो, जब रिजल्ट आएगा ना तो आके बताना। और मैंने कभी आज तक के फातिमा से पूछी हूँ, सच बताना फातिमा तुम भी, मैंने कभी पूछी फातिमा तुमने केस किया क्या, फातिमा तुम्हारे केस का क्या हुआ, फातिमा तुमने किसको क्या दिया था और उसका क्या रिजल्ट निकला, सच्ची बताना फातिमा, मैं कभी भी तुम्हारे से सवाल करती हूँ। मैं नहीं करती ना, क्योंकि मैं नहीं ये सब चीजों में रहती यार, मुझे नहीं करना ये सब ना। अब ये बात भी मैं तुम्हारे को नहीं पूछती, नहीं मांगती तुम्हारे से, अगर तुमने नहीं बोला होता तो इतना मत बुरा मानो यार। तुमने पैनल पे बोला था, इसके लिए मैंने भी पैनल पे तुमसे 2 दिन से मांगी और आज मैंने पूछ ली। तुमने बोला है ना कि नहीं पूछना पैनल पे, तो ठीक है, अंदर से नहीं पूछूंगी। फातिमा ऊपर आके ना बात कर लो, इतना कमेंट क्यों कर रही हो, मार्केट में हो, बाहर हो, बिजी हो कहीं। और यार मैं तुमको बोल रही हूँ फातिमा, जो मर्जी तुम आओ मेरे से ऑनलाइन बैठ के सवाल कर लो, मैं कभी भी जो चीजें मैंने वाईटी पे बोली हूँ ना, उनके सवाल के जवाब देने के लिए मैं रेडी हूँ। प्रूफ रहेंगे तो प्रूफ के साथ, और बिना प्रूफ के अगर बातें हैं तो बिना प्रूफ के साथ हर एक चीज का जवाब दूंगी मैं, जो चीजें मैंने वाईटी पे की हूँ बातें ना, वो चीज का। ठीक है ठीक है। और ऑडियंस आप लोग भी ना, सच में मैंने उस दिन भी लाइव की थी, मैंने आप लोगों को भी बोली कि आप लोगों में से ना बहुत, मैं बोलती हूँ ना, बहुत कम जने आगे आए हैं, ठीक है, कि मैंने आप लोगों को भी बोली थी आप लोग मुझे इंस्टा पे ये कर दो कांटेक्ट, तो वहाँ पे भी सभी ने लेजी पना दिखाए। फिर मैंने यहाँ पे लाइव में भी लिंक दी कि आप लोग यहाँ पे जाके कंप्लेंट करो। बताओ आप लोगों में से कितने कितने कर दिया यार, एक ईमेल ही तो करनी है। किसने किसने किया बताओ, वो जो मैंने लिंक दी थी उसके ऊपर जाके किस किस ने, ये जीजा की जो दीवानी है उसके ऊपर और वो जलील औरत के ऊपर किस किस ने जाके कंप्लेंट की,
किस किस ने जाके उनकी गंदी गंदी लाइवों का लिंक वहां पे देख के आया। यार ऐसा भी नहीं होता है ना कि तुम लोग करो तुम लोग करो, जाहिर सी बात है अकेले बंदे से नहीं होगा ना। और मैं हमेशा एक बात बताती हूँ, एक बात बोलती हूँ, एक लकड़ी रहती है ना तो उसको तोड़ना ना बहुत इजी है, बहुत आसानी से ना लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन जब वही लकड़ियों को जमा करके एक बंच बना दिया जाता है ना तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। यार वहां पे कोई तुम लोगों की पर्सनल डिटेल नहीं जा रही है, कुछ नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कंप्लीट करनी है वहां पे। लेके आ जाओ एक मिनट। हाँ शबनम लिंक दोबारा दो, यार थोड़ा सी मतलब बताऊं मैं गार्लिक के उसके अंदर जाते हैं 1-2-3 घंटे जाते हैं, लेकिन हो तो जाता है ना। बस समझ लो कि 1 दिन गवाना है बस, उसके बाद में तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा ना। अरे यार खजूर आंटी लोग अपनी माँ बहन को डालते हैं ना इधर आके, इसके लिए लाइव में ना प्रॉब्लम आ रही है। नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ यार, मैं बता रही हूँ। अभी देखो फातिमा वहां से ऑनलाइन कर रही है, क्या रिजल्ट आया? कुछ नहीं। अगर ये फातिमा की जगह पे 50 कंप्लेंट और चली गई होती ना अपने अपने हिसाब से सब जने डालते, तो जरूर उसके ऊपर ना कोई एक्शन जरूर होता कि भाई एक बंदा अगर कर रहा है तो उसके ऊपर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इतनी सारी कंप्लेंट जाएंगी ना तो जरूर ध्यान दिया जाएगा। तो मैं रात की लाइव में ना आप लोगों को लिंक दूंगी, 2 लिंक दूंगी, इसके ऊपर दोनों के ऊपर जाके आप लोगों को कंप्लीट करनी है, एक के ऊपर कंप्लीट करनी है और एक को ईमेल करना है, नहीं ट्वीट करना है। थैंक यू मोहम्मद शेख।
फातिमा ये जो गांडू है इसने जो की है ये भी कंप्लेंट ही है ना। हाँ तो वो लगाओ, तुम भी लगाओ अपने कम्युनिटी पे। जिस तरह लोग एक इतनी सी चूहा जैसी चीज करके कम्युनिटी पे लगा लगा के चीखे निकल गई, ने ये हो गया ने वो हो गया, लगता है जिंदगी में पहली बार कोई फॉर्म भरे है तो इतना उछल रहे है जैसे पहली बरसात में मेंढक और कछुए उछलते है ना वैसे उछल रहे। तो वो कंप्लेंट तुम भी लगाओ ना के बताओ कि ये हमने भी कर चुके हैं। नहीं नहीं सोबिया में परेशान नहीं हो रही मेरी जान, आप लोग हो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पता है मुझे। मुस्तफा भाई वालेकुम अस्सलाम, वेलकम हो गया, थैंक यू सो मच। हेलो बुड्ढी ऑस्ट्रेलिया बुड्ढी वेलकम हो गया, बिल्कुल आएंगी खजूर देखना, ऐसी मौत आएंगी ना पानी भी नहीं नसीब होएगा। होता है यार मैं जिस तरह से बोल रही हूँ ना, आप लोग जाके उसको करो तो सही। ये कीड़े मकोड़े को छोड़ दो, वो जो मेन है ना उसको पकड़ो। हाँ जरूर बताना होम, थैंक यू मुस्तफा भाई आपका शुक्रिया आने के लिए। हाँ गार्लिक एकदम सही बोला, सब जने करेंगे रोज रोज कंप्लेंट जाएंगी ना तो एक्शन जरूर होता है। हाँ बिल्कुल मुझे दे देना लिख दो चाहिए तो नीचे, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ। अच्छा तुम सब लो एक मंथ ओनली पिटारा पर रहो, बाकी सब को छोड़ दो, मेरा गारंटी है एक मंथ अंदर ये सब वापिस आपस में लड़ेंगे। वो सब तो ठीक है यार, कोई बात नहीं संदना सिस्टर, मैं यहीं पे दे दूंगी ना रात की लाइव में, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी, वो दोनों लिंक पे जाके ना एक पे कंप्लीट करना है, बस चैनल के लिंक वगैरह डालना है। अगर असली नाम पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जो चैनल पे नाम लेके आते हैं वो डालना है और चैनल के लिंक डालना है। और ये जो क्या नाम है इसका जलील आंटी है ना जो, इसके हस्बैंड के भी चैनल का लिंक डालना है, गंदी गंदी लाइवों के लिंक डालने हैं, वो सारा कुछ जो भी प्रूफ के तौर पे है वो सब डाल के और पूरा लिखना है किस तरह से इन लोग करप्शन कर रहे हैं, लोगों को आके थ्रेट कर रहे हैं, बच्चों पे आके गालियां दे के डराने की कोशिश कर रहे है, साइबर क्राइम कर रहे है और जो कुछ भी लोग कर रहे है वो सारा कुछ लिख के वो फॉर्म भर के डालना है। और हमें इंस्टा पे लगाने की जरूरत नहीं है, हम कितनी कर रहे हैं कंप्लेंट, कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं वो सब बताने की हमें नहीं जरूरत। हाँ ने इंस्टा पे जो ग्रुप बना रखा उसका कुछ लोग आकर इसको नंगा करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा इसके लिए कल वो सब ग्रुपों से लेफ्ट हो रही थी, कल तीन ग्रुप आए मेरे सामने, जब लेफ्ट होते हैं ना तो वो ग्रुप सामने आ जाते हैं ना एकदम ऊपर,
तो मैंने देखी ये मुझे और रहमानी को उसमें से एक में से निकाली और दो में से खुद लेफ्ट हो गई, तभी ये सब ग्रुपों में से भाग रही है क्या? अरे वाह, तो मोस्ट वेलकम है उन लोगों का जो लोग हिम्मत करके आने वाले, तो जरूर आना चाहिए, हम लोग सपोर्ट में बैठे हुए, हम सब आप लोगों के साथ है। फॉर्म आपने दिया नहीं क्या? ओके ओके, मैं देखती हूँ, लाइव बंद होएंगी ना तो वैसे ही मैं देखती हूँ, तो फिर मैं जवाब दूंगी तो आप मुझे दे देना। अभी आ जाओ शबनम की लाइव में बहनों, आ जाओ, किसको कर क्या क्या निकालना है ना इन लोगों का निकालो, और बिल्कुल भी इसकी गालियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गटर में से सिर्फ और सिर्फ बासी आ सकती है ना, तो वो पहले से अपने माइंड को सेट रखो कि ये सिर्फ और सिर्फ इसके पास में चार पांच कहानियां हैं, एक तो तलाकशुदा है, तलाक याफ्ता है, तो बेवा है, तो भाग गई थी, तो प्रेग्नेंट है, तो अबोर्शन हुआ है, बस ये सब के अलावा इसके पास में कुछ नहीं है, और ये सब ये इसके लिए बोलती है क्योंकि इसके साथ खुद के साथ ऐसे हो चुका है ना, तो ये अपनी कहानी दूसरों के ऊपर रखती है। बिल्कुल बिल्कुल मुस्तफा भाई, बिल्कुल आप मर्जी है, तो बिल्कुल भी इससे नहीं डरना, और बिंदास आके बोलना, और जितनी भी गालियां ये देती है ना, समझना वो अपने आप को अपने घर वालों को दे रही है। वालेकुम सलाम जरीना, वेलकम फौजिया, वेलकम हो गया। थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम शकीला, वेलकम हो गया। थैंक यू शकीला, ये चिया और केस बीबी सिर्फ फंड के चक्कर में आए हैं, सितारा अपनी सपोर्टर से भी जान छुड़ाना चाह रही, एंड ये पता है मुझे, अल्लाह जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बहन मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ है, ठीक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसे ठीक रखे, सलामत रखे। थैंक यू सो मच भाई। अच्छा, नीचे सब दोस्त कैसे हैं आप सब, जितने मेरे सिस्टर्स हैं नीचे? भाई तो एक भी नजर नहीं आ रहा, खैर सब रात सी है ना, रानिया है हमारी। हाँ ना, सब रानिया है। तब ये टाइम पे इंडिया के ज्यादा है ना, और इंडिया में ये टाइम पे सबका काम का टाइम रहता है, खाना वगैरह अच्छा। बनाने का ना, तो वो कमेंट नहीं कर रही है, सुन रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, वाचिंग तो ज्यादा है, मैं तो देख रहा था तकरीबन 140 तक तो थी।
वो सुन रही होगी ना हेडफोन लगा के और काम कर रही होगी। हाँ शायद हो सकता है। अच्छा बेन आप कहाँ से हो आप? मैं मुंबई से हूँ ना। अच्छा मुंबई से हो आप। शबनम सिस्टर मुस्तफा भाई बोला मुझे शबनम सिस्टर पैनल से पैंक तो नहीं देंगे। अरे वो तो मैंने मजाक में कह दिया सोविया। जब एक इंसान आपको इतनी इज्जत दे आते ही आपको मोड़ दे और हाँ। वेलकम भी जब भी मैं आऊँ तो ये तो मैंने इसी मजाक में कह दिया। तो हमारी प्यारी बहन है ना शबनम। थैंक यू भाई। आपका भी चैनल है? मेरा चैनल है लेकिन मैं यूज नहीं करता। अच्छा अच्छा पहले करता था दूसरा मेरा चैनल था लेकिन उस पे फिर स्ट्राइक्स आ गई। तीन स्ट्राइक आई थी उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि स्ट्राइक हटाते कैसे हैं देते कैसे इस सब का मुझे कोई इलम नहीं था। वो चैनल गया तो मेरा वाइटी से थोड़ा दिल टूट सा गया। हाँ यही होता है ना। फिर ये चैनल बना दिया तो सारा कुछ मैंने सीख लिया ये सब कुछ लेकिन यूज नहीं। बाकी अपने चैनल पे कभी कभार दिल करे तो लाइव ऑन कर लेता हूँ सब दोस्त आ जाते हैं। अच्छा। बाकी तो नहीं होता उस तरह। और कभी कभार बस पोएट्री की वीडियो डाल लेता हूँ। अच्छा की फातिमा लगाई तो बहुत अच्छा की। इन लोगों को लगता है कि ये जो कीड़े मकोड़े है ना इन लोगों को लगता है बस यही लोग कर सकते हैं। लगाया करो इनके मुंह पे ना चमाट की तरह दिया करो। जी भाई आप बात करें एक मिनट। हम एक मिनट म्यूट हूँ। ओके ओके। अच्छा जितने भी मेरे नीचे दोस्त हैं बहने हैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे खैरियत से होंगे। क्या हाल है आप सब दोस्तों का? अच्छा जिन्होंने अभी तक लाइव को लाइक नहीं किया वो जाकर लाइव को लाइक जरूर करें। मैं भी वॉचिंग देख कर आया हूँ। 140 की वॉचिंग है लेकिन 105 लाइक्स है टोटल लाइव पे। So, जिन्होंने लाइफ को लाइक नहीं किया वो लाइफ को लाइक करे भी। मैं जरा कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लूंगा। जी भाई। अच्छा तो कुछ सुनना चाहेंगे आप लोग? जी जी बिल्कुल। सबको दुखी करूं या खुश करूं? दुखी करो सब दुखी है अभी। दुखी तो नहीं है सब तो बहुत गुस्से में है। मैं अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि मैं कुछ देर के लिए आंखें बंद कर दूंगा। अच्छा। मैं कुछ नहीं देख रहा। सोच रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातु। जी भाई हमसे गुफ्तगु करे। जी 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 शकीला सिस्टर मैं तो सभी से मुखातिब हूँ। बाकी आपने भी जवाब दिया तो हम शुक्रगुजार हैं आपके। शुक्रिया एंड वेलकम है आपका लाइव में। कैसे हो आप? मुस्तफा भाई एक गाना गाओ भाई। ओके सुनाता हूँ। अच्छी बहना भाई एक सॉन्ग हो जाए हमारी शबनसियों एंड फादर सिस्टर के लिए। हंसते हंसते कट जाते रास्ते ये वाला तो नहीं था लेकिन मैं एक और सॉन्ग है वो
सुना देता हूँ। कितने चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये ना सोचो के मुझको प्यार नहीं। कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये ना सोचो के मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। सारी दुनिया बुलाए बैठा हूँ, ये ना सोचो के मुझको प्यार नहीं। चांद तारों की सुहानी रातें कैसे भूलूंगा वो मुलाकातें। कितनी दिलकश है कितनी प्यारी है, याद आती है तुम्हारी बातें। दिल की शम्मा जलाए बैठा हूँ, अब तो खुद पे भी इख्तियार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया अब किसी का भी इंतजार नहीं। सारी दुनिया बुलाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। शोख धड़कन की जवानी तुम हो, अब तो सांसों की रवानी तुम हो। जो लिखी है मेरे ख्यालों ने खूबसूरत वो कहानी तुम हो। मैं भी सपने सजाए बैठा हूँ, ये ना कहना के बेकरार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। सारी दुनिया बुलाए बैठा हूँ, ये ना सोचो के मुझको प्यार नहीं। कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। यहाँ तक। थैंक यू, माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज है आपकी। शुक्रिया आपका बहना, और शुक्रिया इसलिए भी कि आपने पैनल पे बुला लिया। थैंक यू। आर यू पठान मोहम्मद भाई? आई एम नॉट मोहम्मद, आई एम मुस्तफ़ा जहान, शांताना बाबर सिस्टर, एंड यस आई एम पठान। माशाल्लाह मुस्तफ़ा, शुक्रिया अच्छी बहना, बहुत बहुत शुक्रिया। शकीला सिस्टर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफुन्निसा बेगम, शुक्रिया आपका भी बहना। जितने भी दोस्त हैं, बहने हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से।
आप सब थोड़ा गुस्से में थे ना, तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा माहौल को चेंज कर दिया जाए। नहीं, कोई गुस्से में नहीं था, होता है ना कभी कभी। हाँ होता है कभी कभार, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ ना, इस तरह जब आपका जो ब्लड है वो आराम से फ्लो करेगा करेगा आखिर रुक जाएगा, तो कभी कभार उसको प्रेशर देना हाँ। जरूरी होता है। किसकी ओके भाई मुस्तफा जिंदाबाद जी, वाह जी वाह। शकीला बहना बहुत बहुत शुक्रिया, मुंबई व्लॉग्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे। गुड्डू मुंजरीन थैंक यू, आप भी शायद बहना हो। चांद शाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सोबिया बहना, माशाल्लाह आपकी ब्यूटीफुल वॉइस है जी, माशाल्लाह पठान जी, तो क्या दिल अच्छा होना जी। ये आपका जरफ है शकीला बहना कि आपको हमारी आवाज अच्छी लगी, आप सब भी बहुत अच्छे हैं। चलो एक अब थोड़ा दुखी कर दूंगा आप लोगों को। रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहरा पे होले से चले बाद नसी, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, आप बेटे है बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं, आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है, ये अदाए नजाकत बरास मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन ये अदाए नजाकत बरास मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब आंचल संभलता नहीं है, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब आंचल संभलता नहीं है, मेरे नालों की सुनकर जुबाने हो गई मोम कितनी चटाने, मेरे नालों की सुनकर जुबाने हो गई मोम कितनी चटाने, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, मैंने पिघला दिया पत्थरों को,
एक तेरा दिल पिघलता नहीं है, मैंने पिघला दिया पत्थरों को। एक तेरा दिल पिघलता नहीं है, आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत का जोर चलता नहीं है। यहाँ तक असल में मुझे जुकाम है कुछ दिनों से, वरना मेरी आवाज़ से भी अच्छी जाती है, गला भी थोड़ा ख़राब है, थोड़ी शिकायत है गले की भी और चेस्ट का भी, कुछ दिन तो मैं काफ़ी काफ़ी ख़राब मेरी हालत गुजरे कुछ दिन तो बेड पे तक टोटली, बस ये दूसरा दिन है थोड़ा जाग गए हम। शुक्रिया शकीला बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू हजार बार। इस तरह आपके पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं अच्छे से, तो मुझे पढ़कर अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह जी अच्छा लगा आपको सुन के जी। मेरे नेर भी एक बाजी अफगानिस्तान से भाई है जी, कसम इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि दिल से दुआ बस के लिए आपने भाई की याद दिला दी जी, माशाल्लाह जी। जो इज्जतदार लोग होते हैं शकीला बहना, वो जिस तरह अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं तो वो दूसरों को भी उसी निगाह से देखेंगे, उसी इज्जत की नज़र से देखेंगे। सो मेरे लिए तो आप सब बहुत काबिल एहतराम हो, क्योंकि आप सब लेडीज हैं और मेरी बहनें हैं आप सब, सो मेरे दिल में आप सबके लिए बहुत एहतराम है, जितना मैं कहूँ उतना कम है, और हमेशा यही एहतराम रहेगा आप सबके लिए मेरे मेरे दिल में। जी जी शबनम, और मुझका तो सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि आप तो ओनर है ना। खैर मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, सब सब मेरे लिए सेम है, ये बात नहीं कि ब्यूटीफुल सभा भाई, दो दो आप भी शायद सिस्टर हो तो थैंक यू आपका भी। मुस्तफा जी अच्छा है कि आप व्यूअर्स की बात को अंडरस्टैंड हो गई जी, मुझे पता चलता है व्यूअर्स का, तो मैं कहूँगा कि जिस तरह व्यूअर्स मुझे रिस्पॉन्स देंगे तो सेम वैसे, तो मैं पॉजिटिविटी मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, सो उम्मीद है आप सब भी हमेशा मेरे साथ पॉजिटिव ही रहेंगे, सो इसी तरह मजा आएगा लाइव में। भाई वाला सॉन्ग आता है वे, वो कौन सा अभी याद था, अभी भूल गई, रुको याद करके बताती हूँ। अच्छा बता दे, भाई मैं आजाद कश्मीर से हूँ। अच्छा जन्नत की जी बहना, बोलिए आप। अच्छा अच्छा, एक दो बादाम खाए आप फिर याद आ जाएगा आपको। रिजवान मिर्जात शुक्रिया आपका भाई। अच्छा तो आप जन्नत तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, उसके कुछ लाइंस मुझे याद तो है लेकिन ये पूरा सॉन्ग मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कुछ लाइन मैं जरूर आपको सुनाऊंगा, जरूर सुनाना, ये बहुत ज्यादा बहुत मस्त सॉन्ग है। क्यों नहीं, मैं इसके कुछ लाइंस मुझे याद है तो वो मैं जरूर आपको सुनाऊंगा। सो ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू सो मच आरबी इंडियन इन ऑस्ट्रेलिया, शुक्रिया आपका। रिफत अनवर वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू लाइव। अच्छा इसके कुछ लाइंस जो मुझे याद है तो बस मैं वो सुनाता हूँ। तुम है इश्क हमसे इसी ख्वाहिश में जीते हैं,
मिले जो जख्म है हमको खुद हाथों से सीते, गिला है ये रही कि तुझको ना हमसे मोहब्बत है, गिला है क्यों दिखाया तुझको भी हमसे मोहब्बत है, बड़े आजाद फिरते हो वफाए कत्ल करके तुम, हमें कैद मोहब्बत से गुजरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। यहाँ तक ये लाइन्स मुझे बहुत फेवरेट पसंद है इस सॉन्ग की, इसीलिए यही मुझे याद रहे। پختونی محمد رور زیم پختونیم از من نوم چی کم ده شاندانه دا مصطفی جهان ده محمد نده مصطفی جهان خطا سوم پختونی ماشاءالله گود همه سن کر اچھا لگا شاندانه بابر کیا بھی پٹانا اردو میں بات کریں گے کیونکہ جتنے بھی یہاں ممبرز ہیں सब उर्दू में लिख रहे हैं तो इसे इनको भी समझ आएगी। फातिमा की लाइव लगी क्या? कोई देख के आना तो फातिमा की लाइव लगी क्या? आए इंडियन शुक्रिया आपका माला शंखधर आप का बहुत शुक्रिया। लाइक टू तो आज डियर भाई मुस्तफ़ा की आवाज़ नसीब हो रही है कसम से, अरे डूब जाओ अगर लाइक नहीं। अरे सीसीटीवी जितने भी हमारे प्यारे प्यारे सीसीटीवी मौजूद हैं, चाहे वो हमारे भाई हैं या हमारे सिस्टर्स हैं, अपने प्यारे प्यारे तम से लाइव को लाइक कर दे एंड अगर किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्यों नहीं, जरूर जरूर जो आपका हुक्म है ना हम जरूर याद करके। सच में मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। फिर तो हम जरूर याद करके आएंगे, आपको इतना पसंद है तो क्यों नहीं जरूर। यू शुड बी अ सिंगर। नहीं हम सिंगर तो नहीं, लेकिन बस ये टाइम पास के लिए इतना कुछ कर लेते हैं इंडियन इन ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू आप सबका, थैंक यू। अच्छा एक गजल गाओ, एक ओके एक गजल है जो कि मेरा बहुत फेवरेट गजल है तो वो मैं सुना देता हूँ सबको। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुम्हें याद किया, इस करोना नहीं क्यों तूने किया दिल बर्बाद, इस का गम है कि बहुत देर में किया दिल बर्बाद, हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, नफरतों के तीर का कर
दोस्तों के शहर में नफरतों के तीर का कर, दोस्तों के शहर में हमने किस किस को पुकारा, हमने किस किस को पुकारा, ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, दिल के लुटने का सबब न पूछो सब के सामने, दिल के लुटने का सबब न पूछो सब के सामने, नाम तुम्हारा आएगा, नाम तुम्हारा आएगा, ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा, यहाँ तक। वाह भाई, सच में आपकी आवाज बहुत अच्छी है। आपका जर्फ अच्छा है, आप खुद अच्छी हैं। सच में आवाज बहुत अच्छी है, आप सिंगर बन सकते। अरे नहीं, मैं अगर सिंगर बन गया ना तो हमारे घर के जितने भी जूते हैं ना, अब मैं सारे उठा कर मुझ पे पाड़ देगी। अच्छा, सब लाइक कर दे प्लीज, जो भी सिंग करे वो। हेड्स ऑफ टू यू ब्रदर, थैंक यू सो मच सिस्टर। कल मैंने आपका नाम जब कल देखा जीजा की, तो मुझे बहुत हंसी आई, मैं बहुत हंसा था आपकी नाम पर। खैर जैसा भी है सिस्टर, थैंक यू सो मच आपके इस कमेंट के लिए। जी जी, ये भाई सरिता की लाइव में आते हैं मुस्तफ़ा जी। जी मैं सरिता जी के लाइव में होता हूँ अक्सर, ज़्यादातर मैं उनकी लाइव में होता हूँ। मेरे सामने ये लाइव आई थी तो मैंने ऐसे देखा, फर्स्ट टाइम में आया था तो यहाँ पर काफ़ी मेरी बैठी हुई थी कमेंट्स में, तो ऐसे मैंने कमेंट्स कर लिए तो सिस्टर्स थी कुछ तो यहाँ थी, तो इस वजह से फिर मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। एक आपका एक जोन होता है कि आपके दोस्त, आपके जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो जहाँ जाए तो इट मींस कि वो भी आपके अपने हैं, तो मुझे तो ये चीज लगा कि सब यहाँ है तो मैं भी यहाँ पर आ गया। थैंक यू भाई यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। वेलकम जी, वेलकम बहना। जी मेरा नाम मुस्तफा जहान है। भाई आप पाकिस्तान से हो? जी मैं पाकिस्तान से हूँ बहना। पाकिस्तान से हूँ एंड पाकिस्तान में पिशावर से हूँ। अच्छा अच्छा, आपका इंस्टाग्राम आईडी नहीं है? इंस्टाग्राम आईडी है इंजीनियर ENGR_Mustafa_Khan, ये मेरी आईडी। आप नीचे लिख दो ना, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। मैं लिखता हूँ आपको नीचे कमेंट या ऊपर। नहीं नीचे कमेंट्स में लिख दो। हाँ सही है, तो पीछे यहाँ पे कहीं पे भी लिख दो आप। मैं लिखता हूँ इस नेम से।
ये जैसे आप सर्च करेंगी तो मेरी आईडी आ जाएंगी, जो पैनल पे जो डीपी है यही डीपी होंगी उसमें। ठीक तो ये नेम से है भाई। ये कहानी मिस्टर पिटारी जैस की है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता। ज़ायदा बेगम जी, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, सीधा दिल को छूती है। यू आर ब्लेस्ड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल वॉइस। थैंक यू सो मच। आपका ज़र्फ़ बहुत प्यारा है। आर बी इंडियन इन ऑस्ट्रेलिया। हमें अच्छा लगा आपके कमेंट, बहुत शुक्रिया आपका। आप सब बहुत अच्छे हो, खुद भी। आज भी मुस्तफा कहते हैं दिल से हमको भी हैप्पी कर दिया जी। जी क्यों नहीं, जरूर। कभी कभार मजा करते, इस तरह माहौल एकदम से चेंज हो जाना। मुस्तफा साहब को वो बस में बच्चे वाली बात, मुझे आपकी इस कमेंट की समझ नहीं आई संजना। कहते हो कम से कम। बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में, तो संग संग रहूंगा सदा। कदमों की आवाज सुन के चलूंगा, तुम्हें ढूंढ लूंगा सदा। बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में, तो संग संग रहूंगा सदा। कदमों की आवाज सुन के चलूंगा, तुम्हें ढूंढ लूंगा सदा। भूले मोहब्बत की ये खुशबुए है, हवाओं में फैली हुई। छू कर मुझे आज महसूस कर लो, वो यादें मेरी अनछुई। ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। बेपना प्यार है, आ जा, तेरा इंतजार है, आ जा। बेपना प्यार है, आ जा, तेरा इंतजार है, आ जा। यहाँ प्लीज भाई हमसे भी इंस्टाग्राम कमेंट्स बॉक्स में शेयर करो जी। शकीला बहना, मैंने जो भी कमेंट किया है आप नीचे देख सकती है। मैंने दिया है नीचे कमेंट में अपना इंस्टाग्राम। ये जो लिखा है मैंने, आप देखें, यही नेम है मेरे इंस्टाग्राम आईडी का। तो अनिता देवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। अच्छा अच्छा मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया शबनम नहीं बहन? नहीं भाई, कुछ बोर तो नहीं होगी? तकलीफ हो रही है कि क्यों कंट्रोवर्सी वाली बातें नहीं हो रही है, मुझे फैन क्यों नहीं दे रही है, मुझे शॉट आउट क्यों नहीं दे रही है। सीधी अच्छा अच्छा सादी सी लाइव हो रही है ना, तो उसमें उनको चाहिए कि रिपोर्टें मांगे। हाँ बिल्कुल। खैर, आप लोगों की तो डेली इस तरह होती रहती है ना कुछ टॉपिक पे आप बात करते हो आप सब, तो ये भी अच्छा है। आज चेंज हो गया। हाँ वही तकलीफ हो गई ना उनको, बेचारे लोगों को ना कैंसर है ना, तो बेचारे लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है। कोई नहीं भाई, हाँ बोलते हैं ना शैतान वाले काम में ना बहुत लोग जमा हो जाते हैं ना, और इंसानों बिल्कुल वाले काम में ना बहुत कम जमा होते हैं। इसके लिए उन बिल्कुल लोगों को मजा नहीं आ रही कि बस शैतानी हरकतें चालू रहे, इनको बड़ा मजा आता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हाँ तब जाने जाके ना जैम को रिपोर्ट मारो, और जब तक के लिमिट ना खत्म हो जाए ना तब तक मारना, और चाइल्ड अब्यूज पे मार के आओ जाके, मारो इसको दबा के रिपोर्ट, और रोज मारने का, रोज डेली जो लाइव है इसकी 10-10 दिन पुरानी है ना उस पे भी मारो। इसको बहुत ज्यादा चिल मची हुई है ना,
जीजा की दीवानी ये सॉन्ग तो मुझे नहीं आता, आई एम रियली सॉरी बेना, सुना है लेकिन याद नहीं है मुझे सॉन्ग का। मुझे ज्यादातर क्लासिक जो सॉन्ग्स होते हैं मुझे ज्यादातर वो आते हैं पसंद, वही आते हैं ज्यादातर। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसा सॉन्ग हो जिसे आप लोग भी इंजॉय करें और मैं भी, तो सोच रहा हूँ। नसरत फतेह अली खान आप लोग सुनते हो या नहीं? मैं तो ज्यादातर वो सुनता हूँ। अरे ये तो हादिया, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, वेलकम है आपका लाइव में, कैसे हो आप हादिया भाई? और सुना, आवाज अच्छी है, हम सुनना चाहते हैं। जी जी सुनाते हैं भाई, नाच सुना तो लेडी बुक। असल में बात ये है ना कि यहाँ तो सॉन्ग सुनाए जा रहे हैं और इस दौरान अगर नात में सुनाऊंगा पढ़ूंगा तो वो जमेगा नहीं मैं फिल्म में। सो नात के लिए अलग एक दिन अलग एक दिन होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ नात पढ़ी जाएंगी, तो ऐसे फिर बहुत मजा आएगा, मजा भी आएगा और बहुत अच्छा। चलो ठीक है फिर, अब बंद करते हैं, फातिमा जी की लाइव कट है मेरी भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सच में आपकी आवाज बहुत अच्छी है। शबनम बहना नहीं, थैंक्स की जरूरत नहीं, आप मेरी सिस्टर हो और मुझे भी अच्छा लगा यहाँ पर पैनल पर आकर, आपने मुझे रिस्पेक्ट दी है, इसके लिए मुझे हमेशा याद रहेगा, बहुत शुक्रिया। आपका भी हमेशा खुश रहे, सलामत रहे, और नीचे भी जितने भी दोस्त हैं, सिस्टर्स हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने आज बहुत अच्छे से बात की, इतना रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, मेरी तरफ से भी आप सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट और ढेर सारा प्यार आप सबके लिए। थैंक यू सो मच, हमेशा खुश रहे, सलामत रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे कामयाब रहे। सो हमेशा आप सब मेरी दुआ में रहेंगे, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी जिंदगी रही तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई मुस्तफा जी, मैं दीदी शर्मा की जी और उस नेम से। ओके ओके शकीला जी, ठीक है ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, एग्जिट बंद कर देती हूँ। स्केड्यूल लगाई थी कि नहीं फातिमा ने, क्या हो रहा है यार? एक मिनट है, पता नहीं मेरा नेट नहीं चल रहा है या लाइव नहीं चल रही, समझ ही नहीं आ रहा। चलो ठीक है फिर मैं बंद करती हूँ, जो टॉपिक पे लाइव लगाई थी वो टॉपिक पे तो बात ही नहीं हुई, कोई नहीं रात को बात कर लेंगे, ठीक है? तो अभी आप लोग भी थोड़ा रेस्ट करो, फिर फातिमा की लाइव ऑन होगी तो वहाँ पे ज्वाइन करना, इंशाल्लाह मैं भी आऊंगी, इंशाल्लाह, ठीक है? तो ये जो पागल औरत है ना, रात को बाल काट के घूमती है पूरे घर में, तो रात को इसके ऊपर हम बात करेंगे। खाना बना रही हूँ इसके लिए भी ना मैं कमेंट नहीं देख पा रही, ओके अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।
और जैन को ना दबा के रिपोर्टिंग करो, दबा के करो, मर जाए वो इतनी करो। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज। और जिसको नहीं पता है ना उसका, तो मत करो, दफा करो उसको, मरने दो, वो ऐसे ही मर जाएंगी कैंसर से या तो फिर HIV से ही मर जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, मिलेंगे आपको, हाफिज।